मिरांदसे ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः वाञ्छाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यं गौरतविषये नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यवते नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ जी, प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए हम हरि नाम की मिस्ट्रीज ऑफ द होली नेम है उसको पढ़ रहे हैं। Pious activities without devotional service should be rejected. यानी कोई भी हम जब सत्कर्म करते हैं अगर वो भक्ति से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी हमें प्रभु की ओर नहीं ले जा रहा है, तो वो त्यागने योग्य है। क्योंकि नॉर्मल लोग कैसे जो कर्म कांड करते हैं तो उसमें भौतिक लाभ हो तो उसके लिए करते हैं, प्रभु के लिए तो नहीं करते। संसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए या संसारिक क्रियाओं के लिए करते हैं, तो इसलिए वो सारी चीजें जो है ना हेल्प नहीं करती है, उनका त्यागना ही उचित है। कहते हैं ऑल नॉन डिवोशनल एक्टिविटी मेंशन इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। देखो, ग्रंथ ना हर प्रकार के लोगों के लिए होते हैं, और सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है। अब कोई कुछ लोग तमोगुण में आता है, उनका भी तो उद्धार करना होता है, तो ग्रंथ उनके लिए बने हैं। तो उनको ना लालच दिया जाता है कि तुम ये करोगे तो तुम ये फल मिलेगा, ये करोगे। इसका मतलब ये नहीं कि वही अल्टीमेट है, मतलब ये है कि इंसान को सत्कर्म करने की आदत तो डालो, उसको लालच देके तो कम से कम काम करवाओ, हालांकि वह भगवान की तरफ लेके नहीं जाता है। तो ऑल नॉन डिवोशनल एक्टिविटी मेंशन इन द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स All kind of vows that do not aim at developing devotional service, जैसा हम संकल्प करते हैं, जी मेरी मैंने जी कोल्ड ड्रिंक पीने एक साथ, या मैंने आम नहीं खाऊंगा एक साल, मेरा ये कामना पूर्ण, क्या संसारी कामना। तो ये संकल्प जो हमें भगवान की ओर लेके तो जा नहीं रहा है। All types of dry renunciation that are not similar to the proper renunciation based on devotional service. एक होता है dry renunciation, एक होता है proper renunciation. Dry renunciation का मतलब क्या होता है? जी मेरा कुछ चीज प्राप्त नहीं होगी, मेरा मन उदास हो गया है, मैं दुखी हो गया हूँ, तो मैं वो चीज से या मेरा झगड़ा हो गया तो मेरा मन ऊब जाता है, तो उसे कहते हैं dry renunciation। क्योंकि कभी ना कभी फिर आपका मन विचलित होगा ही होगा, जाएगा जाएगा उन वस्तुओं के प्रति या उन बंधों के प्रति आपके मन ने जाने जाना। एक होता प्रॉपर एनोसिएशन, वो कैसे होता है? भगवान के प्रति जब प्रेम बढ़ता है, भक्ति रस राम रस मिलता है, तभी हमको सारे रस फीकने लगने शुरू होते हैं। एक होता है जी भक्ति रस के बगैर हम चीज का त्याग करें, लेकिन चिंतन तो बना रहता है क्योंकि आपकी आसक्ति तो है ही नहीं भगवान के प्रति। दूसरा भाव यह कि अगर भगवान के प्रति रति बढ़ जाती है, भक्ति में प्रेम रस होता है प्रभु के नाम में, तो संसारिक रस हमको फीके लगने शुरू होते हैं। संसार की हर क्रिया हम दैट इज प्योर ट्रू रेनुंसिएशन, वो इंसान कभी विचलित नहीं हो सकता। ऑल सैक्रिफाइस दैट आर अनफेवरेबल फॉर डिवोशन सर्व, ये जितने भी जो त्याग है ये क्या है, ये जो भक्ति में हेल्प नहीं करते, and are simply mundane ritualistic activities, ये केवल जो है कर्म कांड उनको कहा गया है, are considered pious activity and according to the शास्त्र they are considered favorable to devotional service। कहते हैं इनको शुभ कर्म का, चलो आप किसी भाने किसी देवती देवी देवता की पूजा करो, कुछ तो करो, एक ना एक दिन आपकी वृत्ति भगवान की तरफ मुड़ेगी ही मुड़ेगी। मतलब इसलिए उनको पुण्य कहा कि चलो इसी बहाने चलो दान करेगा तो मुझे ये लाभ होएगा, मेरे को मेरा यश होएगा, लोग मुझे बहुत बड़ा सेठ मानेंगे, या मेरी जय जयकस के जैसा कोई दान ही नहीं है। यानी इससे भक्ति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्योंकि किसे दान किया, कुछ सत्कर्म करा, धीरे 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 वो जब इकट्ठे होते हैं तब जाके आपकी साधु संघ मिलना शुरू होता है, फिर उस पर कथा मिलती है, फिर नाम, फिर भगवान के प्रति प्रेम होती है। इससे कहा गया कि
are considered pious, and according to the Shastra, they are considered favorable to devotees. But in Kalyuga, all these activities transform into material activities. ये केवल संसारिक ही कर्मकांड में रह जाते हैं, संसारिक क्रिया रह जाती है. In this age, the religious principle become degraded as all such activity no longer support the principle of devotional service. तो कहते हैं कलयुग के अंदर क्या होता है, ये degrade हो चुकी है, ये क्योंकि क्योंकि करने वाले में तपस्या का बल नहीं, कराने वाले में बल नहीं तपस्या का, ना अन्न शुद्ध ना धन शुद्ध, कोई चीज शुद्ध नहीं है, ना भाव शुद्ध है, ना भूमि शुद्ध है, तो कैसे ये सब कर्म कांड करोगे. तो ये सारी चीजें पतित हो चुकी है कलयुग के अंदर, और ये बिल्कुल सही, इनको करने से आज के डेट पे कलयुग के अंदर कोई लाभ नहीं होगा. पहले युगों में ये करने से पुण्य इकट्ठे होते, जब पुण्य इकट्ठे होते थे तो हो सकता है आपको साधु संग मिल जाए एक ना एक दिन. तो कलयुग में ये हर चीज इतनी गिर चुकी है, कोई भी चीज सही तरीके से नहीं हो रही जैसे होने चाहिए पर शास्त्र, तो इसका फल आपको जीरो मिलना, कुछ नहीं मिला. तो principle become degraded as all such activity no longer support the principle of devotion. क्योंकि ये जो क्रिया है भक्ति में सहायता नहीं कर सकती, करती है, तो ये सब बेकार की चीजें हैं. Therefore, O devotee, hear with attention that in Kalyug there is no other religion than the congregation chanting of the holy name of Hari. तो कहते हैं भक्त ध्यान दीजिए, कलयुग के अंदर दूसरा कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है भगवान के नाम का कीर्तन करना. यानी कथा, जैसे मैं अशोक आपका कीर्तन कर रहा हूँ, मैं आपको कथा सुन, दिस इज ऑल्सो कीर्तन, नाम जप करना, भाई यही है कलयुग के अंदर. देन द कांग्रेगेशन चैंटिंग ऑफ द होलीनेम्स ऑफ हरि, हरि के नाम का और हरि के गुणों का गान करना, यही एक धर्म कलयुग के अंदर है, कुछ नहीं है. यू मस्ट रिजेक्ट व्हाट इज अपोज्ड टू दैट रिलीजन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस. यानी भक्ति के बल पे हमें हर चीज को त्याग करना है जो हमको भगवान की ओर लेके नहीं जाती. वो कर्म कांड दिखने में अच्छा कि हम पूजा करें, हवन करें, यज्ञ करें, ये मन्नत मारे हो मन, लेकिन अगर भगवान की ओर हम लेके नहीं जा रही, समर्पित नहीं करी है, प्रेम उत्पन्न नहीं करी है, तो वो सब चीजें हमारे लिए बेकार है, उनका परित्याग ही उचित है. ओ नारद, यू आर दी नोअर ऑफ दी साइंस ऑफ श्री गोविंद. आप गोविंद के रहस्य को जानते हो. यू आर डियर टू श्री गोविंद एंड द डिस्टर ऑफ मटीरियल बॉन्डेज. आप गोविंद के प्रिय हो और आप क्या करते हो, भौतिक जो बंधन है उसको आप काटते हो. क्योंकि संत का काम ही है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, भगवान की कथा सुनाना, नाम की महिमा सुनाना, नाम जपाना, यही तो संत का काम है. Your inquiry is meant for delivering the people in general. आप जो प्रश्न करते हो इससे जीव के उद्धार के लिए करो. By hearing your question and answer, the living entitled will cross beyond the darkness of ignorance. आपके प्रश्नों का और जो जवाब हो मिलेगा आपके प्रश्न उत्तर का, वो सुनने से मनुष्य जो है अज्ञानता से निकल सकता है और भवसागर की ओर जा सकता है. इन द एज ऑफ कली ऑल रिलीजन एंड इरिलीजन आर फुल ऑफ इग्नोरेंस. कलयुग के अंदर सब धर्म और जो अधर्म है अज्ञानता से भरे पड़े हैं. क्योंकि जिस हम रिलीजन मानते हैं वो क्या होता है, भौतिक रिलीजन यानी हमारे कर्तव्य फैमिली के प्रति, सोसाइटी के प्रति, देश के प्रति, सबके प्रति है. हम भूल जाते हैं कि मैं जीवात्मा, मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरा एक ही कर्तव्य है भगवान के प्रति, और किसी के प्रति मेरा कोई कर्तव्य नहीं है. मेरे को ये शरीर केवल और केवल भगवान को प्राप्त करने के मिला, भजन करने का, अपने आप को उलझाने के नहीं भौतिक चीजों में. मैं ये कर लूंगा, ये बना लूंगा, ये खरीद लूंगा, उसके बाद वो कर लूंगा, कुछ प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है. हम मेहनत करते रहेंगे, घरे की तरह करते रहेंगे उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, विद टाइम बॉडी सब खत्म हो जाती है और कभी नहीं हमको मिलने वाला है, और फिर आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा. इसलिए कहते हैं नाम की कमाई कर लो, क्योंकि मरने के बाद यही आपको भव सागर से
पार ले जाता है, भगवान के चरणों में लेकर जाता है। अगर नहीं की तो सिर पीट पीट के पछताओगे और काल कर्म और ईश्वर को मिथ्या दोष लगाओगे। लोग ये कहते जी सारे कर्म भी हमारे कर्मों में नहीं था, फिर कुछ लोग कहेंगे जी भगवान की इच्छा नहीं थी, और काल कर्म और ईश्वर, फिर भगवान ने कृपा नहीं की हम पे, तो कहते कि ये सब व्यर्थ की बातें हैं, भगवान इसको एक्सेप्ट नहीं करे। उत्तर कांड के अंदर ये बात प्रभु समझाते हैं स्वयं अयोध्या वासियों, काल कर्म और ईश्वर पे मिथ्या दोष लगाता है, कहते है, मैं स्वीकार करने को तैयार ही नहीं इन चीजों तीनों में से, जो आप मर्जी बोलते रहो, मैं तुम कोई भी चीज लेते हो तुम उसके साथ उसका मैनुअल खरीदते हो कैसे इसको ऑपरेट करना है, तो तुमको शरीर मिला है तो तुमको मैं कृपा करके साधु संग भी देना चाहता हूँ, तुम लेना नहीं चाहते हो। लोगों को कथा पे बैठे उठ के भाग जाएंगे, वैसे गप्पे मारेंगे आपके घर में चार घंटे बैठ के, लोगों को बोलो तुम नाम जप करो और नाम जप करेंगे नहीं, और जी ओप जाता है लेकिन कहते मुंह में दर्द होती है, मुंह से नाम जपा नहीं जाता, लेकिन सारे दिन व्यर्थ की बात करेंगे तब तो मुंह में दर्द किसी की नहीं होती है, व्यर्थ की बात करेंगे तो सर नाम जपने में क्यों उनके मुंह में दर्द होती है, क्योंकि लोगों ने करना ही नहीं, उनकी नीयत ही नहीं है करने की, बात यह है। तो कहते जीव का एक ही धर्म वो है परम धर्म। परम धर्म क्या है? भगवान के नाम का जप करना, भगवान की भक्ति करना, दूसरा उसका कोई धर्म है ही नहीं इस कलयुग के अंदर। कहते हैं ऑल रिलीजन एंड इरिलीजन आर फुल ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि जो भी हम सो कॉल्ड धर्म कहते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, भौतिक कामनाओं की पूर्ति करते हैं, वो अज्ञानता वश की जाती है। संसार की जितनी वस्तु है वो क्षणिक है, नाशवान है, और हम जितना मेहनत करते हैं चीजों को प्राप्त करने के लिए, ये भी कोई गारंटी नहीं हम उसको भोग पाएंगे कि नहीं भोग पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कार खरीद ली, क्या गारंटी मैं उसके में भोग पाऊंगा? नहीं, हो सकता कल ही एक्सीडेंट हो जाए, मेरी मृत्यु हो, तो मैं कुछ कर ही नहीं सका, मेरे लिए कार बेकार हो गई। यानी इतनी मेहनत की कार को प्राप्त करने के लिए एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे लिए तो वो बेकार हो गई। जीव को केवल और केवल प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में नहीं किया पता नहीं लाखों करोड़ों साल आप भटकते रहोगे। पहले तो यमलोक पे जाओगे, यातना भोगोगे, उसके बाद जड़ चेतन शरीर ग्रहण करोगे, पेड़ पौधे वनस्पति भिन्न भिन्न शरीरों में जाओगे, उनके फिर आप कीड़े मकोड़े बनते, फिर पशु बनोगे, फिर पक्षी बनोगे, फिर जाके कब मनुष्य से मिलेगा ये कोई गारंटी नहीं है। लाखों करोड़ साल तब तक आप दुखी रहोगे, पीटते रहोगे सर को कि मैंने क्या किया, हमने आज तक भजन नहीं किया इससे तो आज तक हम दुखी हैं। अगर भजन किया था तो सुखी नहीं, तो भगवत धाम में नहीं होते थे, इस संसार में बैठे होते थे। किसी को मानसिक परेशानी, किसी को शारीरिक परेशानी, किसी को दैविक परेशानी, कोई ना कोई परेशानी है, कोई पैसे को लेकर चिंता, कोई बच्चे को लेकर चिंता, कोई पत्नी को, कोई पति को, कोई माँ बाप को लेकर, किसी न किसी को अपने शरीर को लेकर चिंता, सभी को सभी तो चिंतित ही तो है संसार में, कौन सुखी है? सभी के सभी दुखी है संसार के अंदर। अज्ञानता इतनी है कि लोग मानते नहीं कि मैं दुखी हूं, जबकि वो बहुत ज्यादा दुखी, लेकिन वो मानते नहीं, ये अलग बात है। या तो उनका अहंकार उन्हें स्वीकार करने देता कि मैं दुखी हूं, कि मैं कैसे बोलूं मैं दुखी हूं, दो में से यही कारण होते हैं। तो कहते हैं ऑल रिलीजन एंड इलिजन आर फुल ऑफ इग्नोर, देयरफॉर विदाउट द रिलीजन ऑफ चैंटिंग द लॉर्ड्स होली नेम द लिविंग एंटिटीज हैव नो अदर वे टू डिस्ट्रॉय द मटेरियल एग्जिस्टेंस। कहते हैं भगवान का नाम जपे बगैर आप अपने संसार से नहीं निकल सकते, संसार के बंधन नहीं काट सकते। केवल कथा सुनना अच्छा होता है, उससे आपको प्रेरणा मिलती है, लेकिन नाम जप करने से ही बंधन कटेंगे, नाम जप करने से ही आपको उसकी रियलाइजेशन आएगी। कथा से नॉलेज मिलती है कि ये चीज गलत है, लेकिन जानते हुए भी ये चीज गलत है वो काम करते हैं, लेकिन नाम जप करने से हमारी वृत्ति नष्ट हो जाती, पूरी की वृत्ति पाप, और हमको रियलाइजेशन होनी शुरू होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। भाई किसी के मामले कोई सवाल है भैया, रोक के पूछ सकता है, कोई चीज रिपीट कराना चाहे तो मुझ करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने भाव से बोल रहा हूँ, कोई किसी को शंका तो पूछ ले। ओके, ऑल सिंफुल रिएक्शन बिकम इरेडिकेटेड बाय द चैंटिंग द होली नेम, यानी जो भी हम पाप कर्म करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं नाम के द्वारा। अब गीता में भी कृष्ण जी का सब धर्म को छोड़कर मेरी शरणा, मैं तुम्हें सब कर्मों से मुक्त कर दूंगा, गीता में ही कहते हैं। यहाँ पे भी कह रहे हैं, हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे ग्लोरीज ऑफ द होली नेम, उसपे भी बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं।
जीव को विश्वास नहीं, फिर भी लोग कहते कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं जी, क्या करें। तो क्या फिर गलत कह रहे हैं? यानी भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं, आपको नाम पे विश्वास नहीं, क्या माला कितनी कर लो कोई फायदा नहीं, जितने मर्जी जाप कर लो फायदा नहीं, कर्म तो भोगने ही पड़ते। ये लोगों की गलत सोच है। देखो दो पक्ष है, अभक्त के ऊपर जो संकट आता है, कष्ट आता है, वो इसलिए आता है वो अपने कर्म को भोग रहा होता है, और जो भक्त के ऊपर जो संकट आता है उसके पीछे प्रभु का हाथ होता है, कई कारण होते हैं। अकारण कष्ट जीवन में नहीं आता प्रभु के द्वारा। तो क्या कारण होते हैं प्रभु जो देते हैं? प्रभु देखो, अगर अगर पाप कर्म का ही फल होता, परिणाम होता जो हमको कष्ट मिल जाए, तो पाप कर्म में तो हमारा भजन छूट जाना चाहिए था, लेकिन हमारा भजन बढ़ रहा है। आप रोज 40 माला करते, आपने 60 माला करनी शुरू कर दी, तो आप बताओ क्या पाप कर्म भजन बढ़ाता है कि भजन घटाता है? पाप कर्म तो भजन घटाता है। जिस पीड़ा से, जिस दुख से आपके भजन की वृद्धि हुई, वो तो भगवान की विशेष कृपा है। आपका भजन नहीं बढ़ रहा था, आप रुके हुए थे एक जगह पे, भगवान चाहते आपका भजन बढ़े, इससे उसने आपको कष्ट दिया, आपका भजन बढ़ गया, तो कौन कहता है कि पाप का परिणाम है? बात यानी कि हमारे जीवन में कथा नहीं है, फिलॉसफी नहीं है, इसलिए हम लोग समझते। भौतिक दृष्टि वाले लोग जो होते हैं, जो भगवान से विमुख होते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, हम तो आपसे अच्छे ही है जी, हम माला नहीं करते, हमसे दुख तो नहीं हो रहा, आप माला करके भी दुखी हो। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता होता कि जो हमारे कष्ट आए उससे मेरा भजन बढ़ा है, भगवान मेरे को करीब लेके जा रहे, मेरी अटैचमेंट खत्म कर रहे हैं। जब मुझे दुख महसूस होएगा तो मैं दूसरे के दुख को भी तो महसूस कर सकता हूँ। मेरे को खुद दुख नहीं महसूस हुआ तो मुझे क्या आपका दुख आएगा? प्रभु चाहते हैं कि भक्त दूसरे के दुख को समझे, उनके हृदय में दर्द हो, पीड़ा हो, उसे दुख को दूर करने का प्रयास करे। इसलिए कई बार अपने भक्तों को इसलिए भी दुख देते हैं कि उसको देखो जब दुख मिलेगा, तेरे पैर में कांटा चुभा है, तुझे पता चले दर्द क्या चीज होती है, जब तो दूसरों के पैर में कांटे को पता कि दर्द कितनी होगी, उसका कांटा चुभा तो उसको दूर करने का प्रयास करेगा। इससे भक्त दौड़ते हैं किसी को भी दुखी देके और उसके दुख को दूर करने का प्रयास करते, क्योंकि उन्हें स्वयं दुख बहुत भोगा होता है। ये भगवान की इच्छा थी, मैच्योरिटी लाती है, आपकी अटैचमेंट कम होती है, आपको संसार के नश्वरता का ज्ञान देता है, आपके अंदर सहनशीलता बढ़ती है, आपके अंदर दीनता आती है, आप आपको आप भक्त मानते नहीं हो, काय का भक्त काय का भजन, देखो मेरे को कितने कष्ट भोग रहे, कहां आपको आपके मुख से यही शब्द निकलते हैं कि मैं तो आदमी टोटली अपने को तुच्छ मानता है, हम्बल हो जाता है। ये कितनी बड़ी कृपा चल रही है, अगर आप मेरी दृष्टि यानी जो परमात्मा की दृष्टि, जो शास्त्र की दृष्टि से देख रहा है, वो बोलेगा तेरे पर बड़ी अपार कृपा है। दूसरा चीज, अगर दुष्ट को नष्ट करना है तो वो आपसे भगवान भिड़ा देंगे, आप उसका आपको कोई लेना देने, वो आपसे भिड़ गया तो उससे क्या आएगा, आपको जब कष्ट आएगा अकारण, दुष्ट इंसान जब से भिड़ जाए, आप आर्त भाव से पुकारोगे। भगवान यही चाहते कि जीव आर्त भाव से मुझे पुकारे, विद अ हार्ट, टोटल हेल्पलेस कंडीशन में हृदय से पुकारे। वो दुख में ही इंसान पुकारता है, हृदय से पुकारता है, नहीं तो वो हृदय से नहीं पुकारता है। भगवान चाहते हैं कि वो हृदय से पुकार मुझे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद और विशेषता क्या है, जब दुष्ट बढ़ता है उसके पुण्य शीघ्र खत्म हो जाते हैं, उसको अगर 5 साल जीना तो क्या 6 महीने में उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि उसने जब भक्त को प्रहार किया, भक्त को पीड़ा पहुंचा रहा है, अगर नहीं पहुंचाता भक्त को कष्ट तो शायद 6-7 संसार को पीड़ा पहुंचाता। तो भगवान कहते हैं इसको खत्म मैं एक ही झटके में करता हूँ कि भक्त से भिड़ जाए, भक्त से भिड़ेगा तो कहते हैं कि संसार के लोग दुखी है, मुझे कोई लेना देना नहीं। देखिए जब भक्त दुखी होता मुझसे रहा नहीं था, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, भक्त जब मुझे पुकारता मुझे तुरंत आना पड़ेगा और दुष्ट का शीघ्र नाश करना पड़ेगा। तो एक कारण ये भी होता है दुष्ट का भक्त से बढ़ाना। तो ये इसलिए ये सब चीजों को आप भगवान की कृपा के रूप में देखिए, ये मत बोले कि मैं भजन कर रहा हूं मेरे को कष्ट क्यों आ रहा है। जिस कष्ट से भगवान की भक्ति बढ़ती, नाम जब बढ़ता है, वो भगवान की कृपा का फल होता है, वो पाप कर्म हो ही नहीं सकते हैं। भाई समझ में आ रही है? किसी को पूछना है कोई सवाल तो पूछ सकता है। Yes, Prabhu, it is good. Okay. Nice. Continue.
अच्छा, तो ऑल सिंफुल रिएक्शन बिकम इरेटिक बाय चैंटिंग द होली नेम. ऑल द सिंफुल एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन हु टेक शेल्टर एट द लोटस फीट ऑफ श्री गोविंद सर्टेनली बिकम वैनक्विश बाय चैंटिंग ऑफ द होली नेम. तो कहते हैं जिसने गोविंद की शरण ली है और वो भजन करता है, तब क्या होता है, उसके सारे पाप कर्म खत्म हो जाते हैं. He weeps and reveals his own fault to Sri Krishna while chanting holy name. वो रोता है, वो मानता है कि मेरे अंदर कमी है, वो मानता है प्रभु मैं तो अवगुणों का भंडार हूँ, मेरे जैसा दुष्ट और पापी इंसान कोई नहीं है, क्योंकि उसको अपने एक एक क्रिया अनंत अवगुण दिखाई देते हैं. कहते हैं प्रभु फिर भी तो मुझे जो रोटी खिला रहा है, मेरे पालन पोषण कर रहा है, ये केवल तेरी अहितों की कृपा, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है. और जो अभक्त होते हैं वो क्या मानते हैं, मैं अंदर मैं गुणवान हूँ, मेरे जैसा कोई गुणवान ही, और मैं अपने बल और प्रयास से संसार की वस्तु प्राप्त कर सब कोई लेन देन नहीं. उसके अंदर अभिमान आता है, अकड़ होती है, और भक्त के अंदर दीनता, वो रोता है कि मैंने कितने पाप किए प्रभु, तो इतना पाप करने के बावजूद तो मेरा पालन पोषण करा है, तो मुझे तेरे को कितना धन्यवाद देना चाहिए, इससे मैं तेरी और सेवा करूंगा, यही तरीका धन्यवाद देने का, तेरा गुणगान करूंगा, तेरी महिमा फैलाऊंगा, मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं धन्यवाद देने का. सबसे उत्तम तरीका यही है कि भगवान के नाम का जप करो, गुणगान करिए, उस गुणगान को फैलाइए, यही एक तरीका भगवान को धन्यवाद देने का कि जिसके मैं जरा भी लायक नहीं वो चीज वो मुझे प्रदान करे. कहते ऑल सिंफुल, कहते ही वीप्स एंड रिवील्स हिज ओन फॉल्ट टू श्री कृष्ण. वो रोता, कहता मेरे अंदर इतनी कमियां है उसको दिखाई देती है, वाइल चैंटिंग हिज होली नाम जप करते हुए उसको महसूस होता है. All his sinful activity become destroyed very quickly by the strength of his devotion. तो कहते भक्ति के बल से उसके सारे जो अवगुण है, पाप है, वो नष्ट हो जाते हैं. By atonement for karma, desire does not become vanquished. तो कहते हैं केवल कर्म के द्वारा प्रायश्चित करने से पाप की वृत्ति खत्म नहीं होती. डिजायर डज नॉट, यानी भौतिक इच्छाएं भी रहती है और पाप करने की वृत्ति भी रहती है. इंसान जानते हुए भी चीज गलत है, वो पाप कर्म क्यों करता है? गीता में कृष्ण जी कहते हैं कामना से प्रेरित होके ही तो वो कर्म करता है पाप कर्म. मुझे वो चीज प्राप्त करनी, कैसे प्राप्त, उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ. क्योंकि उसके अंदर भगवत कामना होती तो संसारी कामना खत्म हो गई होती. उसके अंदर भगवत कामना नहीं, कथा की कामना नहीं, नाम की कामना नहीं, प्रभु के दर्शन की कामना नहीं, धाम की कामना नहीं, तो संसारी कामना है. और संसारी कामना पूर्ण होती नहीं है, बार बार वो दुखी होता है, उसे चिड़चिड़ापन रहता है, क्रोध रहता है. क्रोध का कारण क्या, कामनाओं की पूर्ति ना होना. इससे कहते हैं भगवत कामना बढ़ाने से संसारी कामना शांत होगी, तभी वो शांत हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता. ये बड़ा क्रोधी है, इसका मतलब यह है कि आप कहते हैं इसका स्वभाव बड़ा क्रोध वाला है, ये क्रोधी इंसान है, इसका मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा संसारी कामना है, इससे उसको हर वक्त क्रोध चढ़ा रहता है, सिर पे चिड़चिड़ापन रहता है. तो उसको साधु संग करना पड़ेगा, कथा सुननी पड़ेगी आपके क्रोध को शांत करने के लिए. क्योंकि जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न है, कथा सुनते नाम में रुचि होगी, तो स्वाभाविक है कि उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा. तो कहते हैं ऑल हिज सिंफुल एक्टिव बिकम डिस्टर्ब वेरी क्विकली बाय द स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशन. By atonement for karma, desire does not become, केवल प्रायश्चित करने से आपके पाप खत्म, आपकी कामना खत्म नहीं होती है, कामना फिर बनी रहती है. मुझे पता है मैंने गलत किया, फिर भी कामना है, चल दोबारा कर लेते, एक बार और कर लेता, ट्राई कर लेता. What benefit is obtained by atoning for karma and gyan? That kind of benefit is very eager and no power. कहते कर्म और ज्ञान के द्वारा क्या तुम प्रायश्चित कर सकते हो, वो जो प्रायश्चित होता है वो बहुत अल्प होता है, उसपे कोई ज्यादा शक्ति नहीं होती है, उसपे ज्यादा नहीं होती. क्यों, मुझे पता नहीं, जैसे सिगरेट पीना खराब है तो क्या मेरे को जानने से मैंने छोड़ दिया, अच्छा मैं हॉस्पिटल चले गए, मेरे को लंग इन्फेक्शन हो गई है, डॉक्टर ने कहा सिगरेट ही, महीना में रहता हॉस्पिटल में, मैं कस्बे खाता हूँ, मैं नहीं पीता, घर आके मैं फिर पीना शुरू करता हूँ. कहते मैं इसके बगैर तो बिना, पर तुम हॉस्पिटल में कैसे रहते, मुझे बताओ, बताओ तब कैसे जिए थे, जिए थे ना, क्योंकि वी डोंट हैव द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ फ्रॉम इनसाइड. हमारे आत्म बल नहीं है, आत्म बल नाम से आता है, नाम जप करने से आता है. अच्छी कथा करना ये भी कोई प्रमाण नहीं है
कि वो उस कोटि का भक्त है। प्रमाण क्या है? The attraction to holy name. नाम में जितनी रुचि बढ़ती है उतनी मात्रा में आप एडवांस्ड हो रहे हो और उतनी मात्रा में आप श्रेष्ठ होते जा रहे हो, उतना ही आपका आत्मबल बढ़ा है। क्योंकि हमने देखा बहुत से अच्छे अच्छे कथावाचक आए हैं, कितने अच्छे हम प्रभावित हो जाते थे, लेकिन वो नाम जब उनका नहीं था इसलिए उनका पतन होते हुए भी हमने देखा है। लेकिन जो नाम निष्ठ होते हैं उनका कभी पतन नहीं हो सकता, ये गारंटी है जो नाम निष्ठ होते हैं, जो खूब हरि नाम करते हैं, क्योंकि उसकी रक्षा प्रभु स्वयं करते हैं। वन सिंगल होली नेम ऑफ कृष्णा कैन डिस्ट्रॉय एज मच सिन एज अ सिनर कैनॉट इवन कमिट इन मैनी मैनी लाइफटाइम। यानी एक पाप इंसान का नहीं, भगवान का एक नाम कृष्ण नाम इंसान के उतने पाप को नष्ट कर सकता है जितने वो कई जन्मों तक कमा भी नहीं सकता। लेकिन हमको इतनी निष्ठा होनी चाहिए, हमको निष्ठा नहीं है इसलिए हमको बार बार नाम जप करना पड़ता है वो निष्ठा पैदा करने के लिए। और वो नाम जब भी हम बराबर कहा कर पा रहे हैं तो हम विचलित हो रहे हैं, कर तो रहे हैं नाम जब, लेकिन वो भी पक्का नहीं पता कि ये फल देगा कि नहीं देगा, किसी ने कह दिया तो इसे करना है, इससे कथा की जरूरत पड़ती है नाम में निष्ठा बनाए रखने के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा था कि खंबे में तेरा भगवान है, उसको इतनी निष्ठा थी, उसने कहा है और उसका भगवान प्रकट हुए, इसलिए भी प्रकट हुए कि हिरण्यकशिपु के प्रहलाद ने बोला था, इसलिए कि उसको विश्वास था कि है और हिरण्यकशिपु ने बात मानी ये बात कि है मेरे भक्त ने कहा है प्रहलाद ने तो जरूर होंगे, तो मैं देखता हूँ तोड़ा तो भगवान प्रकट हुए। हमको गुरु जी विग्रह में कहते हैं कि साक्षात राधा कृष्ण खड़े, हम तो कहते तो पत्थर के है, ये तो मार्बल के है, ये तो लकड़ी के है, ये तो पीतल के, हम इस रूप में देखते हम कहां मानते कि साक्षात भगवान खड़े हैं। हम CCTV लगाते कैमरा देखने के लिए कि भाई हम किसी को पकड़ ले, किसी को गलत काम के, आपके ऑफिस में होते, घर में होते, सब जगह पे लगाते CCTV और कभी वो उसका कोई पक्का नहीं क्या पकड़े जाए नहीं पकड़े जाए उसके बावजूद। लेकिन भगवान तो निरंतर हमारे हर कर्म को देख रहे हैं, ये बात अगर दिमाग पे घुस जाती तो इंसान पाप कर्म करेगा, मेरी हर क्रिया को भगवान तो देख रहे हैं 24 घंटे, दिशाएं साक्षी है, सूर्य और चंद्रमा साक्षी है, रात और दिन साक्षी है, 200 दिशाओं के देवता साक्षी है, भगवान स्वयं अंतर्यामी रूप से सब कर दे वो साक्षी है, इतने प्रमाण मेरे पास है, हवा साक्षी है, कितने साक्षी है, पवन देव खड़े हो गए, मैंने देखा है कि इसको ये कर्म करते हुए, सूर्य देव चंद्रमा सारे खड़े हो जाएंगे, आप क्या बोलोगे, वो दिखा भी देंगे आपके कर्म किया है। लेकिन जीव इसको नहीं मानता है तभी तो पाकर किसी ने देखा नहीं, मैंने छुपके किया, मैंने बंद दरवाजे में किया, किसको क्या पता, कितनों को पता चला, इंसान कभी अकेला हो ही नहीं सकता। There is no sinful activity mentioned in this smart literature that cannot be counteracted by chanting the holy name of Krishna only once. कहते कोई पाप ऐसा नहीं है जो स्मार्ट यानी के लिखा हुआ है ग्रंथों में जिसका नाश नहीं हो सकता केवल कृष्ण नाम लेने मात्र से। Why don't do the follower of the smart system of religion undergo atonement? फिर जो स्मार्ट को फॉलो करते हैं, कर्म कांड को फॉलो करते हैं, फिर वो इतने बड़े बड़े प्रेशर क्यों कहते हैं? This is because the minds are attracted to fruitive activity due to lack of piety or good fortune. उनके अंदर उम्मीद सुख करतियां नहीं जमा हुई है और उनका सौभाग्य नहीं अभी उदय हुआ है, इसलिए वो कर्म कांड के प्रति आकर्षित होते हैं और उसी के पीछे वो दौड़ते हैं और बड़ा परिश्रम करते हैं, कई हजारों रुपए खर्च, कई 50-60 हजार रुपया, 1-1 लाख रुपए लोग खर्च कर देंगे लेकिन फल उसका कुछ नहीं होता। कलयुग के अंदर ये सब इम्पोर्टेंट है, सब बेकार, कुछ नहीं होने वाला है कलयुग के अंदर। ऑन द पाथ ऑफ कर्मा अटोनमेंट कैन नेवर प्योरीफाई द मटेरियल डिजायर, यानी कर्म के पथ पे प्रायश्चित कभी भी इंसान को शुद्ध नहीं कर सकता। While on the path of ज्ञान there is some success to purify the same desire in the mind or heart, तो ज्ञान के पथ में चलने से कुछ समय सफलता मिल सकती है, आंशिक रूप से शुद्धता प्राप्त हो सकती है, आंशिक पूर्ण रूप से नहीं।
the root desire known as a disturbed by devotional service. तो कहते केवल भक्ति के द्वारा ही अज्ञानता और कामना का नष्ट होता है, केवल और केवल भक्ति के द्वारा. अब भक्ति की परिभाषा क्या है? प्रभु के नाम का जाप करना और गुणों का गान करना भगवान की प्रसन्नता के लिए, वो वास्तव में भक्ति होती है, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए हम ये क्रिया कर रहे हैं. बट आफ्टर सम डे द सबटल डिजायर ग्रोज अगेन. तो कहते हैं ज्ञान और कर्म के द्वारा हमने शांत किया, लेकिन कुछ समय क्या फिर जागृत हो गए, अगेन ग्रोज इनटू ग्रॉस फॉर्म, फिर भौतिक रूप ले लेते हैं. अब डिवोशन सर्वे इरेडिकेट द निशय विच इज द रूट ऑफ डिजायर. तो भक्ति क्या है? निशय कहते हैं अज्ञानता को नष्ट करते, क्योंकि अज्ञानता के कारण ही तो स्वरूप भ्रांति होती है. हम अपने को शरीर मानते हैं और शरीर की इच्छा को पूर्ण करने में लगे हैं. हम भूल जाते हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध केवल प्रभु से है, मुझे केवल दिन रात उसी की सेवा करनी है, उसी का गुणगान, उसके नाम का कीर्तन करना है. सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति यह है तो ग्लोरीफाइड अल्लाह, भगवान की महिमा का गान करना और नाम जप करना. इससे बड़ी बड़ा कोई पुण्य नहीं है, कोई सुकृत्य नहीं, इससे बड़ा कोई कर्म भी नहीं है. भगवान का गुणगान श्रवण करना या कीर्तन करना या नाम जप करना, इससे बड़ा कोई पुण्य का संसार में नहीं मिलेगा, ना प्रायश्चित ना कोई गुण. इसलिए रात दिन हमको केवल और केवल हरि नाम करना चाहिए, क्योंकि यह अज्ञानता को नष्ट कर. क्या अज्ञानता है? कि मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र ग्रस्त वानर सन्यासी ब्रह्मचारी हूं, यह अज्ञानता ही तो है. मैं जीवात्मा हूं, हम शरीर को सब कुछ मानते हैं, शरीर सब कुछ नहीं. यहां मैंने बोल दिया, आपने सुन तो लिया, लेकिन हरिनाम करते करते साधु संग साथ साथ में कथा सुन रहे, क्योंकि बगैर कथा के नाम जब भी नहीं आपका हो सकता. अनलेस नाम प्रकाशित हो, जब सिद्ध अवस्था में ना हो जाओ. कई बार मन विचलित हो, नाम जप करके भी इंसान को नाम में निष्ठा ना होने के कारण विचलित हो रहा है. प्रभु जी, मैं तो इतने समय से नाम जप करती, ज्यादा माला करने पे, लेकिन मुझे फल नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे मोह नहीं मिल रहा है. तो भैया, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है. भगवान उचित समय पे हमें देंगे ही देंगे जो वो ठीक समझते हैं हमारे लिए. हमको अपने मन को प्रभु के मन के साथ जोड़ना है. हमारी प्रभु के हम चाहते हैं, प्रभु तो अपना मन मेरे मन से जोड़. देखिए, सेवक वो होता है जो स्वामी को संकोच में ना डाले, अपने मन को ईश्वर के मन से जोड़े, वो वास्तव में भक्त होता है. तो ये हमारा जो स्वरूप भ्रांति जो है, जो हम आपको शिव मानते या ज्ञानतावश, ये इसी के कारण शरीर को सुख पहुंचाने के लिए हम कर्मों में उलझे रहते हैं. लेकिन भक्ति के द्वारा हम जब ये दिमाग में बात घुस जाती है, मैं जीवन को, तब सारी समस्या खत्म हो जाती. हम रात दिन सेवा करते ही करेंगे भगवान की. देयर आर सिंपल नेक्टेरियन स्टेटमेंट स्पोकन पर्सनली बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ इन द भगवद्गीता. बहुत से अमृतमय श्लोक वाक्य मिलते हैं जो स्वयं अपने भगवान ने अपने मुख से कहे हैं भगवद्गीता में. They exist for the benefit of a person who chant the holy name. ये जो शिक्षा किसके लिए है? उन बंदों को लाभ देने के लिए जो हरिनाम करते हैं. And weeps to solicit the shelter of the lotus feet of Sri Govind. और जो रोते हैं भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए. It is for the benefit of the other living entities also. दूसरे जीव भी इसका लाभ ले सकते हैं अगर वो श्रद्धा रखे तो. श्रद्धा कम है, उसे श्रेष्ठ माने, श्रद्धा रखे तो और उसका सेवन करे. श्रद्धा रखोगे, श्रेष्ठ माने, सेवन करोगे. पाठ करना ही रियल सेवन है और धीरे धीरे वो विश्वास में परिवर्तित हो जाएगा. भाई क्लियर है? किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई पूछना चाहता है, कोई डाउट्स जो मैं समझा रहा हूं? ओके. द रिजल्ट ऑफ चैंटिंग द होली, हरिनाम जपने का क्या फायदा है? देयरफॉर एन क्या फल है? देयरफॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन वर्शिप द लॉर्ड ऑफ हिज लाइफ. जो बुद्धिमान है वो अपने प्राण प्यारे भगवान की उपासना करते हैं श्री हरि. By giving up all fruitive ritualistic activities, atonement and so on. जो सारे कर्म कांड को छोड़ देते हैं, भौतिक कर्मों को, सारे प्रायश्चित को, सबको छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम का जप करना.
एक नहीं अनंत जन्मों के पाप दोष होते, इसलिए को क्या प्रश्य को मुझसे इतने बड़े अपराध हो गए। ठीक है, संकल्प करो आज के बाद वो नहीं करूंगा। साधु संग करिए, कथा सुनिए और हरि नाम निरंतर जप करिए, कंटिन्यूस जप करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूस। महाप्रभु ने तो अपने सारे भक्तों को यही बोला है, अहिर्निश नाम करो, कंटिन्यूसली इंसेसेंटली करो, विदाउट ब्रेक करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की संसार के लोग ये वर्ड इंसेसेंटली क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है या अहिर्निश क्या होता है, इसको इसको समझ नहीं पाया। हाँ लिखा नाम जप करना, लेकिन क्या लिखा, इंसेसेंटली यानी कंटिन्यूस विदाउट ब्रेक, अहिर्निश यानी कंटिन्यूसली नाम जप करना चाहिए। लेकिन इस शब्द को लोग पकड़ नहीं पाए हैं। The holy name of Krishna is full of compassion and is as powerful as Krishna himself. तो कहते हैं हरि नाम जो है दया से भरा हुआ है कृष्ण से की तरह, और कृष्ण की तरह ही एकदम शक्तिमान है। जिस प्रकार कृष्ण शक्तिशाली है उतनी ही शक्ति उनके नाम में भी आपको प्राप्त होगी। The holy name is certainly the bestower of liberation to all animate and inanimate living entities. तो कहते हैं हरिनाम सबका मंगल करते हैं, सबको मुक्ति प्रदान करते हैं, चाहे कोई चलता फिरता जीव हो चाहे जड़ हो, जैसे पेड़ पौधे वनस्पतियां ये जड़, इनका भी उद्धार हो जाता है जब हम हरिनाम जोर जोर से करते हैं, कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन निकालते हैं। वे अभाग्य जो पेड़ पौधे पशु पक्षी हैं उनके कान में भी नाम पड़ता है और उनका भी उद्धार हो जाता है, या जितना भी भक्त शुद्ध होएगा उतना ज्यादा असर पड़ेगा तो उनपे तो हो सकता मुक्त हो जाए, या हो सकता है ये तो गारंटी है कि नाम पढ़ने से उनका अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा और वहां से वो अपनी भक्ति प्रारंभ करेंगे। और जो दुकानदार में बैठते हैं, जो आ नहीं सकते, जो घर कथा सुनने, जो उनको दुकान से फुर्सत नहीं मिलती है, नगर संकीर्तन का से उनको कुछ तो सुकृतियां मिलेंगी और वो सुकृतियां इकट्ठी होंगी तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो कम से कम नाम जप करेंगे करेंगे। ऐसे एक संत के मुख से मैंने सच्ची घटना सुनी है। एक कहते हैं कि बुंदेलखंड के लोग जो है, ये ईस्टर्न यूपी पड़ता है, उधर के लोग ना बहुत ज्यादा अयोध्या जाया करते हैं, उधर उनकी निष्ठा अयोध्या के प्रति है क्योंकि अयोध्या पास है तो सीताराम के बहुत बड़े उपासक है। तो उन्होंने कहा था कि भाई एक मित्र को, उनका नाम को गुप्ता जी था, वो कहते वो दुकानदार इतने पक्के थे कभी दुकान से बाहर किधर गए नहीं, दुकान खोलनी और रात को बंद करनी और सारी दुकान पे बैठे रहना, कभी कोई दान पुण्य नहीं किया, कभी कोई उन्होंने कोई तीर्थ यात्रा नहीं कुछ। अयोध्या उनके घर से बहुत निकट था, कभी उसके दर्शन नहीं करने गए, ना सरयू जी गए। तो मित्रों ने तो अयोध्या से नाम लिया हुआ था, सीताराम जी का नाम लिया था, उसको जप करते थे, कंठी पहनी थी, माला थी, सब कुछ था। उन्होंने सोचा यार हम अपने मित्र का भी कल्याण करें, ये तो कोई पूजा पाठ करता नहीं, मानता ही नहीं है कुछ भी, इनको पहले समझाते, इसे सुना नहीं। एक दिन उसको कहते थे को एक दिन के तो अच्छा जबरदस्ती हम तुम्हें ले जाते हैं, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गए। किधर ले गए, अयोध्या में। उधर संत से इन्होंने धोती वगैरह पर तिलक जबरदस्ती किया क्योंकि काफी दोस्त वो ना नहीं कर सका, और संत से हरिनाम भी दिला दिया। जब संत से हरिनाम दिला दिया तो संत ने पूछा भैया अब तो आपका नाम हो गया तो अब आप नाम ऐसे करोगे, रेगुलरली करोगे? कहते हम बिल्कुल नहीं करेंगे। कहते क्यों नहीं करोगे, तो फिर आए फिर नाम क्यों लिया, हमने कहा लिया, हमारे दोस्त ने हमसे जबरदस्ती करवा दिया, हम तो लेना ही चाहते, हमें तो कुछ पता ही नहीं, जब से हमको तिलक पर हम तिलक भी नहीं करेंगे ना कंठी पहनेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। तो संत को बड़े दुखी हुए, भाई आपने क्यों कैसे क्या, अगर ये अपने मुख से कह रहा है मैं कुछ करने वाला नहीं हूँ तो तुमने इसे क्यों नाम करवाया? कहते भाई महाराज जी हमने इसलिए कम सोचा, चलो एक दिन तो ये कुछ तक अपने जीवन में भजन कर लेगा, एक दिन तो उसका कुछ सार्थक जाएगा, आपकी कृपा मिल जाएगी, तो इसलिए हम उसको जबरदस्ती आपके पास ले आए और कर दे, और आपने हमारे कहने पर कह भी दिया। उन्होंने कहा ठीक है तुम जा तो रहे हो, दोबारा आओगे? कहते मैं दोबारा अयोध्या भी नहीं आऊंगा, मैं कभी घर से निकला, मैं अपनी दुकान छोड़ के क्यों, मेरे को नहीं आना अयोध्या में। अच्छा संत एक काम कर, ठीक है तो माला नहीं जपेगा? कहते मैं नहीं जपूंगा, तिलक नहीं करेगा, तिलक भी नहीं करूंगा। अच्छा
जाप भी नहीं कर, नहीं कुछ नहीं करो, तो एक काम कर, एक काम कर सकता है, एक कागज पे तो सीताराम सीताराम लिख दे और पूरा पेज भर दे, बस एक इतना तो काम कर रोज। तो एक नियम ले ले कि मुझे सीताराम सीताराम लिखना है कागज के टुकड़े के ऊपर और वो लिख दे। उसने कहा हाँ ठीक है वो मैं कर दूंगा। तो माला भी इन्वर्ट कर, तो कंठी मत पहन, तो तिलक भी ना लगा, कुछ नहीं कर, तो सीताराम सीताराम से कागज के पेज पे लिख देना। वो उसने स्वीकार कर ले सब करने को। तो उसने सोचा चलो ठीक है, हम रोज तो दुकान खोलते हैं, अभी कह देती तो बात मान ले, 15 मिनट जल्दी दुकान खोल लेंगे, ग्राहक आने के पहले हम सीताराम सीताराम लिख देंगे। उसने पेंसिल और पेन और पेपर लिया और सीताराम सीताराम लिखना शुरू कर दिया। लिखते लिखते उसको लगन हो गई, फिर वो कई पेज लिखने लगा, फिर धीरे धीरे उसकी लगन और बढ़ी। लगन बढ़ने से वो सारा दिन ये सीताराम सीताराम लिखता रहता, कई पेज भर दिए। और कभी कोई आता दुकान पे तो ही देखता कि वो नाम लिखता, नाम लिख लिख उसको चस्का पड़ गया था। और कोई उसे कभी कोई गंध पड़े नहीं, ना कोई कभी अयोध्या दोबारा गया, लेकिन कोई कुछ चर्चा करता भगवान के, उसकी आंखों में आंसू आ जाते। तो सोचो देखो हृदय कैसे कोमल होने लगा। और कितना लिखा, कहते कि करोड़ों में लिख दिया गया उसने, ना करोड़ों में, लाखों में नहीं करोड़ों में, इसको आदत पड़ गई लिखने की। बस सुबह से लेकर रात तक लिखता था सीताराम सीताराम, लिखा कुछ नहीं। तो एक बार उनके उधर कागज पेपर खत्म हो गया, पेपर था नहीं, तो उसका बेटे का कुर्ता था टंगा हुआ था, तो अब आदत थी लिखने की, अब पेपर नहीं था मैं क्या करूं। उन्होंने अपने बेटे का कुर्ता उतारा, उसपे सीताराम सीताराम लिखा। तो बेटे ने जब देखा सवेरे, तो उसे बड़ा क्रोध आ गया, चिढ़ गया, पापा आपने ये क्या कर दिया, आपने हमारे कुर्ते को खराब कर दिया, आप इसको कैसे पहनूंगा। कहता आपने पेपर का बंदोबस्त नहीं किया, मैंने कहा था पेपर ला के दो मुझे लिखना है, तुमने किया नहीं तो मैं क्या करता, मैं सराह नहीं गया, मैं लिख दिया। खैर जो भी है, तो लिखता गया। जब उसके एक दिन उसके मृत्यु का समय आया, उस बात का पता चल गया। उसने कहा कि आज वो नदी में स्नान किया, कहते आज मैं तिलक करूंगा, उसे तिलक किया। उसने कहा आज मैं गुरु जी के लिए माला जपूंगा, लिखा उन्हें अपने शरीर में सब जगह सीताराम सीताराम लिख दिया, पीठ के पीछे नहीं लिख पाता था। तो उसने सामने वाले को, एक दुकानदार है जो बर्तन का काम करता, उसको बुलाया, भैया एक काम कर मेरे पीठ पे सीताराम लिख दे। तो उसने पीठ की पे भी सीताराम लिखवा दिया। और जप करते करते पहली बार अपनी जिंदगी में माला ली, बैठा जाप किया, और जाप करते करते शरीर छोड़ के भगवत धाम को चला गया। तो देखो भगवान का नाम कैसे संत जीव से करवाते हैं, कैसे करते हैं। कोई माला करने को तैयार नहीं, कुछ नहीं करने, कभी अयोध्या नहीं गया, कभी गुरु के दर्शन करने नहीं गया, कुछ नहीं किया, गुरु की एक बार की तो पेज लिख ले, बस इतना ही बोला। लिखते लिखते उसको ऐसे लगा लेके उसको इतना रस आ, लिखते लिखते और देख कितने पेज लिख दिए, कहते कि करोड़ों में से नाम लिख दिया। और देखो मृत्यु के समय कंठी तिलक भी की, सीताराम भी लिखा, और अब भगवत धाम को चला गया। ये होता नाम का प्रभाव, कैसे भी किया जाए नाम मंगलकारी ही होता है, और इससे बड़ा क्या प्रायश्चित हो सकता बताओ। भैया कुछ डाउट है, किसी की मम्मी का सवाल है, कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। तो क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि हरिनाम तो सबका उद्धार करता ही करता है, बट व्हेन ऑफेंडर कमिट्स ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम। आगे हम अभी 10 नामा पाठ पढ़ेंगे एक आध दो पेज में। तो कहते हैं दीज ग्रेव सिनफुल एक्टिविटीज क्रिएट इम्पेडिमेंट्स ऑन द पाथ ऑफ हिज कंटिन्यूस चैंटिंग ऑफ द होली नेम। जब हम नाम अपराध करते हैं, ये नाम अपराध विघ्न खड़ा करता है हमारे जीवन में, जो कंटिन्यूस नाम जप करने में। लोग कहते हैं ना मेरे से कंटिन्यूस नाम जप नहीं होता, यही कारण है कि आपके अपराध खड़े हुए हैं। आप साधु संग करिए, साधु संग करने से आपके पाप कम होंगे, जब पाप कम होंगे तो नाम जप का कथा सुनोगे तो नाम जप की सुकृति मिलेगी, उससे नाम जप की वृत्ति आपकी अपने आप बढ़ जाएगी।
The fault of नाम अपराध पढ़ेंगे अभी, इसलिए मैं उसको उठा नहीं रहा प्रश्न को. The fault of that great offender become nullified only by chanting of the holy name. कहते जो दस नाम अपराध जो बहुत भयानक होते हैं, और हमको तो कंठस्थ भी कराया जाता है कि दस नाम अपराध किया भी उसको आप याद कर लो, लेकिन कंठस्थ करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कंठस्थ किया तो कंठस्थ का इसका पाप करने बंद कर दे तो फिर भी होते हैं. उसका एक ही सोल्यूशन कंटिन्यूस चैंटिंग. हमारे भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं टू गिव अप ऑफेंसेस वन मस्ट कंटिन्यूसली चैंट द होली नेम. यानी तो फॉर ऑफेंसलेस चैंटिंग, कहते अपराध रहित नाम कैसे होगा, कंटिन्यूस जप करोगे तब अपराध आपसे बन ही नहीं पड़ेगा, अपराध से होंगे नहीं. दस नाम अपराध याद करके भी आपने अपराध करना है. जब भजन की संख्या बढ़ जाती है, नाम जप की संख्या बढ़ जाती है, आप कंटिन्यूस नाम जप करते हो, तब उसका परिणाम क्या होता है, आपसे अपराध होते नहीं है. तो इसलिए इंसान को दस नाम अपराध ना करने के बजाय, ठीक है समझाना जो भी वो ठीक है, लेकिन उसको एक ही तरीका बचने का, आपके जप की संख्या बढ़ा ले. तो कहते हैं द फॉल्ट ऑफ दैट ग्रेट ऑफेंडर बिकम नलिफाइड ओनली बाय चैंटिंग ऑफ द, कहते हैं हरिनाम जो दस नाम अपराध है वो भी नष्ट हो जाते हैं, नलिफाई जीरो हो जाते हैं कंटिन्यूस नाम जप करने से. मैं दोबारा वो पाप कर्म ना करूं और मैं नाम जप करूं. देयर इज नो फ्रेंड फॉर द लिविंग एंटिटीज इन द होल वर्ल्ड अदर देन द होली नेम. कहते हैं भगवान का मित्र हरिनाम से बढ़कर कोई है ही नहीं संसार में, क्योंकि वो आपका पालन पोषण करता है, रक्षा करता है. क्या ये हरि नाम करता है, आपके दुख दर्द को हरण करता है. मैं आपका कोई दुख दर्द ले नहीं सकता, आपके कोई रिश्ता घर के सदस्य नहीं ले सकते. अगर आपको फीवर है तो आप खड़े होंगे, आपका बुखार ले सकते नहीं ले सकते. अगर आपको दर्द हो रही किधर बॉडी में, क्या आपके दर्द को ले सकते नहीं, तो क्या उन्हें दुख दर्द बांटा आपका, कुछ नहीं बांटा उन्होंने. लेकिन भगवान का नाम जो 20 दिन आपको दुख दर्द होना था, आप 5 दिन में ठीक हो जाते हो अगर आप कंटिन्यूस जप करो. और भजन की तीव्रता और ज्यादा रही तो 5 दिन के अंदर एक दिन भी तकलीफ ना आए. जो कुछ आती है हमारे अपराधों के कारण आती, पाप के कारण आती है, उसका एक ही सजा कंटिन्यूस जप करते जाओगे, वो आपका प्रभाव उतना कम होगा. और भजन बहुत तीव्र हुआ तो बिल्कुल ही वो खत्म हो जाएगा, पाप आपके जीरो हो जाएंगे. तो आप कुछ शायद अगर पहले से भजन किया था, शायद वो आपको समय दिखता नहीं था, क्योंकि कोई भी ग्रह इन्फ्लुएंस कब करता है, जब हमारे गंदे कर्म होते हैं, शनि राहु जो भी अन्य ग्रह है हमको तकलीफ देते हैं. कहते हैं नाम आभास की अवस्था में जीव कर्म से मुक्त होता है, तब कोई भी ग्रह हम पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता. कोई भी ग्रह हम पे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है नाम आभास की अवस्था. कंटिन्यूस चैंटिंग द होली नेम जब तक आप सो ना जाओ. नाम रुक, ये नहीं कि 64 का ग्रुप जाना है या 128 हो गया तो 192 हो सकते है. करो और करना तो और करिए. हरि नाम कभी रुकना नहीं चाहिए, जितनी आपकी क्षमता है आप करते जाइए. मिनिमम 64 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 192 क्या उससे अधिक कर सकते हो तो डू इट, कर लीजिए. आज भी मैंने ऐसे लोगों से मिला, मैं जानता हूं, जो आज भी हर रोज 192 राउंड्स करते हैं और एकादशी के दिन 500,000 हरिनाम करते हैं, 500,000 हरिनाम करते हैं आज भी. उनकी एज अराउंड 50 के आसपास है और मेरे साथ बहुत अच्छा उनका वार्तालाप होता है. तकरीबन हफ्ते में 4-5 दिन मेरे साथ सत्संग करते हैं. आज भी ऐसे लोग हैं, ये मत बोलो कि वो नहीं. और वो भी फिर फैमिली है, उनका भी परिवार है, हस्बैंड है, सब कुछ है. लेकिन जिसको लगन लगे निष्ठा हो गए वो करता ही करता कैसे. सब कृपा की बात है और आपकी सिंसियरिटी, आप कितना तड़फ रो करना चाहते हो उस लेवल पे. सब एकादश के दिन वो 500,000 करते हैं, बाकी दिन वो 3 करते हैं रोज. कितने सोचो उस अवस्था में होंगे. तो हम अभिमान करते हैं, 64 माला का अभिमान लेके बैठ जाते हैं, और जो इस प्रकार करते कहते हैं हम में से भजन ही नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ मेरे को प्रेम ही नहीं है मेरे अंदर. मैं देश पाते मैं कथा करता हूँ, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं मेरे अंदर प्रेम नहीं है. आप क्या बोलोगे बताओ. मैं खुद उनके सामने अपने को तुच्छहीन देखता हूं कि मैं टोटल जीरो हूं. मैं क्या उनको बोलूं,
वो कहते हैं मुझे आशीर्वाद, मैं मन में सोचता मैंने आशीर्वाद क्या, आपसे आशीर्वाद लेना है, अब क्या बात करो, लेकिन उनके नित्य दीनता है। मैं फिर भी मुझसे कथा सुनते हैं वो, देर इज नो फ्रेंड फॉर द लिविंग एंटिटीज इन द होल वर्ल्ड अदर देन द हरिनाम। इंसान का कोई सच्चा मित्र है तो वह हरिनाम है, जो रक्षण भी करता है, पालन पोषण भी करता है और सब संभालता है। आज ही मेरे से बात हुई थी किसी किसी भक्त से, उनके घर के सदस्य काफी रोगी हैं, बीमार हैं, करते नहीं हरिनाम, कुछ नहीं करते हैं। वो भक्त जो है डेली 128 प्लस माला करती है, कभी कभी 192 भी करती है, उसके प्रभाव से उसका हस्बैंड जो काफी बीमार था, बहुत ज्यादा था, रोगी था, वो ठीक हो गया है और उसकी निष्ठा थोड़ी थोड़ी भगवान के प्रति बढ़ने लगी है। जो कभी सुनता नहीं था, को मानता नहीं था, उस लेडी के प्रभाव से वो परेशान होती, दुखी होती, लेकिन नाम के बल से धीरे धीरे, ये उसका खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मिनिमम 128 वो करती और 150-140 तो उसके लिए आम बात है करना, और कोशिश करती कई बार कई रोज तो नहीं होता 192। उसका भी फैमिली, हस्बैंड, उसका भी बच्चा है जो पढ़ाई करता है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन वह अकेले करती है। उसके फल स्वरूप उसका हस्बैंड की जो बीमारी है ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, जो उससे सोचा ही था कि ठीक हो जाएगी, और वो कबूल कर लिया कि तेरे भजन से मैं ठीक होते, राधा ने कृपा करी मैं ठीक हो रहा, और वो सब कहता भी है। आज 2 घंटे पहले मेरी उससे बात हुई थी। देखो एक भी अगर घर में भजन करे पूरा घर परिवर्तित, तो समय लगता है थोड़ा, क्योंकि क्योंकि वो स्वयं तो भजन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके भजन बगैर आपको दुखी नहीं देख सकते हैं, इसलिए उनको ठीक करना ही पड़ेगा। सामने वाले को विचलित नहीं होना चाहिए, हम लोग विचलित हो जाते हैं, क्या फायदा, देखो ये हो रहा वो रहा, तो उसके जीवन में बहुत परेशानी, बेचारे बहुत तकलीफ आए, मेरे को खराब लगता था उसको देख के, मैं कुछ कर भी नहीं सकता रहा, मैं उसको सांत्वना दे के आप भजन करो, भगवान की कृपा से जो होना होना है कोई बात नहीं, भगवान आपको बचाएंगे। और आज देखो भगवान कैसे परिवार को पूरे बचा रहा है उसके एक मनुष्य के भजन से। ऑफेंसी नारद से, नारद जी कहते हैं ऑफेंसेस अगेंस्ट द चैंटिंग ऑफ द हरिनाम, जो हम नाम के प्रति अपराध करते हैं उसके बारे में, वो स्पिरिचुअल मास्टर ओ सनत कुमार काइंडली एक्सप्लेन टू मी अबाउट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट द चैंटिंग ऑफ द हरिनाम, क्या क्या अपराध होते हैं नाम जप में मुझे बताइए, कौन कौन से अपराध होते हैं। These offenses against the holy name certainly ruin a practitioner's topmost duty. कहते ये जो अपराध जो होते हैं नाम के प्रति, ये क्या होते हैं मनुष्य की topmost duty, वो क्या विचे चैंटिंग होते हैं, उसकी बर्बाद होती, उसकी रुचि कम हो जाती है नाम जपने, अब नहीं होते, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्यों होता है ऐसा। इंसान खूब माला कर रहा है, 100-100 माला कर रहा है, अचानक 4 दिन माला नहीं हो रही, एक भी माला नहीं, मैं क्यों नहीं हुई, या कोई तो 8-10 माले माले तेरी 100 माले से सीधा 8-10 पे आ गया, फिर कहता परेशान हो, ये है वो, ये सब सब केवल अपराध है। इसलिए निरंतर साधु संग चाहिए। मूड्स फ्लक्चुएट होते हैं, हर एक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, घर की परेशानी आती है, बाहर से परेशानियां आती है, सभी तरफ से आती हैं। अगर वो कथा सुनता रहेगा और हरिनाम करता रहेगा तब भगवान उसको संसार संकट से निकालेंगे ही निकाल, और निकालते ही है। ये तो बहुत छोटा संकट है, सबसे बड़ा तो जन्म मृत्यु से आपको उतार देते हैं, ये तो छोटे छोटे संकट है, कौन सी बड़ी बात आपको उतारना, वो कर देते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तुझे हाईएस्ट चीज देने वाला हूँ, कम से कम मैं तेरी परीक्षा तो लूं, तू कितना सहन करा, तेरा वास्तव में मेरे से प्रेम है कि तू स्वार्थवश करा है। लोग क्या करते, नहीं होता, माला छोड़ दी, कल से जी मैंने माला नहीं करनी, तो कहते हैं बस ठीक है, मैं समझ गया तेरे अंदर प्रेम नहीं है, तुझसे तो करना नहीं चाहता है, ठीक है तूने जो किया उसका फल तो मैं देता हूँ, चल ठीक है तेरे को भौतिक सुख दा, फिर कहते देखो माला छोड़ दी मुझे सुख आ गया। लेकिन अगर आपने माला बनाए रखी होती उस प्रॉब्लम के बावजूद, तो आपको गारंटी भगवत धाम मिलना ही मिलना था, आपको वो प्रेम प्राप्त होना था, अभी आप वो प्रेम से वंचित हो गए हो। तो ये इतनी सस्ती चीज नहीं है जितनी आसानी से मिलेगी, भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि जिसको मैं अपना हाईएस्ट चीज प्रदान करने वालों, क्या वो इसके योग्य है कि नहीं है।
तो कहते दीज ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम सर्टनली रुइन अ प्रैक्टिस ऑफ टॉप मोस्ट. जो टॉप मोस्ट ड्यूटी क्या है, विच इज चैंटिंग, और सर्वश्रेष्ठ काम यही है कि नाम जप करना. दिस इज द हाईएस्ट ड्यूटी, टॉप मोस्ट ड्यूटी. सबसे पहले इसको महत्व दो लाइफ में कि मैं अपना भजन करूं बस. और दूसरी चीज बाद में भी काम आए. गुरु जी बोलते नाम जप ही करना है, बाकी काम भी करेंगे. और हम लोग ने क्या बोला है, संसार के काम ही करने हैं, नाम भी करेंगे. ही की जगह भी कर दो, काम भी करेंगे, नाम ही करना है. यानी कि नाम भी करें काम ही करना, ये गलत है. हमारे गुरु जी बार बार ये स्टेटमेंट बोलते थे, लेकिन वही है, समझने वाले समझ नहीं पाए इन चीजों को, क्या कर सकते हैं. These offenses induce a practitioner to cultivate the holy name as a product or matter and tempt him into insignificant material benefit. तो कहते हैं ये अपराध से क्या होता है, उनको लगता है ये तो भौतिक चीज है ये सार, और उसको प्रलोभन देते हैं संसार की वस्तु, तुच्छ वस्तुओं के लिए. तेरे को ये देता वो देता हूं, ये प्रलोभन तो आते ही आते हैं नाम जपने में. जो रियल भक्त होएगा उसका प्रमाण क्या है, उसके अंदर वैराग्य और उसकी आसक्ति घटेगी घटेगी. नाम जप के द्वारा आसक्ति घट रही है, भगवान में प्रीति बढ़ रही है, तो आपका नाम बहुत सही चल रहा है. ये मत बोलो कि प्रेम प्रेम भगवान को देना, उनको पता कब देना कैसे देना, वो देंगे देंगे. लेकिन आपकी अटैचमेंट कम हो रही है, नाम में रुचि बढ़ रही है, कथा में रुचि, इसका यही लक्षण है कि आप सही पथ पे चल रहे हो. और नाम जप के माध्यम से मुझे संसारिक वस्तु में और संसार का आकर्षण बढ़ता जा रहा है. नाम जप क्यों करो, मुझे और ये मिले मिले, मेरा आकर्षण बढ़ता जा रहा है. उसका परिणाम क्या होता है आकर्षण बढ़ने का, कि ये आपके अपराध खड़े हो रहे हैं और आपको प्रलोभन में फंसा रहे. अट्रैक्शन एल्यूरमेंट जिसको बोलते हैं, आपको फंसा रहे, आप उस पर लेके फंसे रहोगे. ये कृपा भगवान की है ही नहीं. भाई समझ में आ रही है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, कोई कुछ पूछना चाहता है कि पूछ सकता है. ओके श्री सनत कुमार सर, फ्रीडम फ्रॉम नाम पर नाम अपराध से कैसे मुक्त होना. वन हू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज 10 ऑफेंसेस सेपरेटली बिकम डिलीवर्ड फ्रॉम दी ऑफेंसेस अगेंस्ट द होली नेम. जो इन 10 अपराधों को समझता अलग अलग करके, वही इंसान मुक्त हो सकता है भगवान के नाम के प्रति से मुक्त हो सकता है, नाम अपराधों से मुक्त हो सकता है. वो क्या है, इन दीज टू अबव मेंशन्ड वर्सेस द फर्स्ट टू ऑफेंसेस आर मेंशन्ड. तो इसमें दो चीजें मेंशन की गई है पहले के, कंसीडर देम properly and then chant the holy name in a pure manner. अब वो बताएंगे वो दो चीजें क्या है, उनको ध्यान से सुनिए और हरिनाम करिए. blasphemy of saintly person, संतों की निंदा करना. one who has taken complete shelter of the holy name without deviation is fit to be called a saintly person and is able to deliver the whole world. जिसने हरिनाम का आश्रय लिया है पूर्ण रूप से, यानी आंख जब खुले माला हाथ में, जब नाम का काउंटर माला नाम जप करते ही रहता है, यानी पूर्ण शरणागत हुई है. ठीक है, उसके पास समय नहीं मंगल आती अटेंड करने का, उसके पास समय नहीं है मंदिर में पूजा करने का, जो जाए कुछ नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन वो नाम जप करे उसको सबको मिल जाए, क्योंकि युग धर्म कलयुग का हरि नाम. तो कहते हैं जिसने भगवान के नाम का आश्रय लिया है without deviation is fit to be called, वही वास्तव में संत है और वो सबको उतारता है. such a person abandon all endeavors for mundane fruitive activities and cultivation knowledge. तो जो ऐसे लोग जो होते हैं वो प्रयास छोड़ देते हैं भौतिक सुखों के लिए, भौतिक वस्तुओं के लिए, और ज्ञान के पीछे भी दौड़ते नहीं है. मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी तो बहुत ज्ञान हो जाएगा, वो केवल अहंकार पैदा करता, मुझे पता है सब कुछ है. क्या आपको रियलाइजेशन है, जैसे गोपियों के भाव, आप तो मैंने वर्णन किया, आपने सुन लिया गोपियों के भाव को,
क्या वो सुन के आपके अंदर वो क्या कोई रियलाइजेशन है, कोई भाव उत्पन्न हो आपके? नहीं, नाम जप के द्वारा आपको पता चला कि यह हाईएस्ट है, इस प्रकार हमारा मन होना चाहिए है। लेकिन होना चाहिए और होने में बड़ा अंतर होता है, होएगा नाम जप से। कथा बताती है कि इस भाव का चिंतन करके नाम जप करिए, इस अवस्था तक हमको उठना है। कथा सुनने से आप उठे नहीं हो, आपको नॉलेज होगी किस लेवल उठना है, नाम आपको उस अवस्था में लेके जाता है। तो सारी रियलाइजेशन जो आती है, अनुभूति आती है, वो नाम से आती है। केवल हम ज्ञान इकट्ठे करते रहे और नाम जप नहीं करे और विद्वान बन के घूमते रहे अहंकार के द्वारा, हमारे जीवन में प्रलोभन आएगा, हमारा पतन भी होएगा और हमको ईर्ष्या भी आती है। ईर्ष्या क्यों? मेरे को इतना ज्ञान लेकिन लोग उसके पीछे दौड़ते, मेरे पीछे नहीं आते, उसकी जय जयकार हो रही मेरी नहीं हो रही, मैं तो उसे ज्यादा जानता हूं। अरे क्या फर्क पड़ता है, जाने दो ना। भक्ति में यही तो होता है, मुझे गोपियों के भाव को प्राप्त करना, मुझे नाम जप करना, जीव उसके लिए प्रयास करता है। ठीक है ना, प्रलोभन आ रहा है, लियो जो उसको प्रशंसा हो रही, तुम क्यों ईर्ष्या कर दो, जाने दो ना, तुम भजन करो ना। तुम अगर कि तुम क्यों लोगों की प्रशंसा के पीछे पड़ो कि लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी जय जयकार हो, मुझे मेरे क्या करना है सबको लेकर, क्या करना है? हमें भगवान के प्रेम में मग्न होना है। इन चीजों में फंसोगे तो प्रेम में मग्न नहीं हो सकते, क्योंकि कल किसी ने आपकी निंदा कर दी तो आपको गुस्सा आ जाएगा, बुरा माप बैर पैदा कर लोगे, और किसी की आपके सामने हो गई ज्यादा कर्म का काम करने के, वो आपको ईर्ष्या की ईर्ष्या निंदा करोगे, ये हमारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए नाम के साथ कथा भी जरूरी है, हमको दिखाने के लिए कि कहां हम गलतियां करें, कहां कहां हमसे बेवकूफियां हो रही है। केवल नाम जप पर्याप्त नहीं है, तभी तो नाम जप हमारा कम होता है, शासन में कथा जरूरी है, हमको दिखे तो सही कहां गलती हो रही है, तब जाके हम इनसे बचेंगे और नाम संख्या हमारी बढ़ेगी। पहली बात है ईर्ष्या होगी तो उसकी निंदा करूंगा, निंदा करने के लिए मुझे आधा घंटा बर्बाद करना पड़ेगा, तो भक्त क्या सोचता है, छोड़ो यार जो है सब, मुझे 5 माला मेरी एक्स्ट्रा हो जाती है या 6 माला एक्स्ट्रा हो जाएंगे मेरे आधे घंटे में, मैं क्यों करूं, मैं 6 माला एक्स्ट्रा क्यों ना कर लूं। इससे उसका प्रेम बढ़ जाता है, वो निंदा से बच जाता है, ईर्ष्या से बच जाता है, उसका प्रेम बढ़ जाता है। लेकिन हम कहते हैं आज की कोटा, अब मैं खूब निंदा कर सकता, खूब उसकी ये कर सब, हम उसमें ही फंसे रहते हैं, या तो कैसे हमको लाभ मिलेगा? भैया लाभ नहीं मिलने वाला। Such a person abandon all endeavor for mundane fruity and cultivate knowledge. He chant the holy name with pure devotion. भगवान की भक्ति से, प्रेम से भगवान का भजन करता है, भगवान की सेवा प्राप्त करने के लिए, भगवान से प्रेम करने के। मैंने कई बार कह चुका, फिर कह रहा हूं, हमारा प्रयोजन गोपीनाथ नहीं है, कृष्ण नहीं है, हमारा प्रयोजन है उस प्रेम को प्राप्त करना जो राधा रानी के पास है, जिस भाव से वो कृष्ण की सेवा करती, उस भाव, उस प्रेम को मुझे प्राप्त करना है। क्योंकि वो प्रेम जब मुझे मिलेगा राधा रानी के माध्यम से, तो मैं कृष्ण की परफेक्ट सेवा कर सकता हूं, नहीं तो कृष्ण की परफेक्ट से। क्योंकि अगर आपके घर का कोई सदस्य बोलोगे जो उसकी सेवा कर, मेरा उससे कोई संबंध ही नहीं, तो मैं क्या सेवा करूंगा, और जो भी सेवा की वो बराबर होगी नहीं। लेकिन कोई बहुत करीबी पर्सन उसका होता है तो वो मुझे बताएगा इस वक्त ये चीज देना, इस वक्त वो चीज देना, उस वक्त ये काम कर देना, तो बहुत खुश होगा, और मैं करूंगा तो वो खुश होगा। क्योंकि राधा रानी कृष्ण के एक एक मन के भाव को जानती है, वो इतने करीबापन उनका है कि एक अभिन्न ही है कृष्ण से, एक किस्म से राधे अभिन्न है, केवल दो रूप धारण किए। लेकिन प्रेम राधा रानी देगी, कृष्ण नहीं देंगे। अगर हम राधा मंजरी भाव लेते, जो राधा दास्यम का मतलब ये राधा दास्यम, इस भाव को एक्सेप्ट करते हैं मंजरी भाव राधा रानी के अनुगत में, तो राधा रानी हमको ट्रेन करेगी और हमको वो भाव और प्रेम देगी जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे राधा रानी के अनुगत में सेवा करना परफेक्ट सेवा है। अगर राधा रानी को छोड़ के आप सेवा करोगे, वो परफेक्ट सेवा नहीं, उसमें गड़बड़ी होगी। भगवान हो सकता है प्रसन्न हो, आपको मुक्ति दे दे, लेकिन ब्रिज में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य रति सामर्थ कहते That प्रेम जिस पे क्षमता होती है कृष्ण को वश में करने की, वो प्रेम समर्थ रहती केवल और केवल राधा रानी और गोपियों के पास है। इसलिए हमको उन गोपियों के अनुगत में चलना पड़ेगा। और हम शरणागति की बात करते हैं, मैं थोड़ा सा और हाईलाइट पे लेके जाऊं। शरणागति एक गेटवे है, एबीसी है,
भक्ति का, शरणागति का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर भक्ति आ गई, आप प्रेम उत्पन्न हो गया है। इसलिए राय रामानंद संवाद में वो कहते हैं, उसे और महापुरुष कहते हैं राय, इसको और आगे बढ़ो, शरणागति के आगे बढ़ो। फिर वो आते हैं भाव में, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य भाव की बात करते हैं। दास्य भाव तक क्या रहता है कि मैं कृष्ण पर निर्भर हूँ, मैं भगवान के आश्रित रहता हूँ, वो मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन पोषण करेंगे, और उस हिसाब से उसका प्रेम होता है। लेकिन जब प्रेम और गाढ़ा होता है साधु संग करते नाम जप करते हुए, और साधु जब वो सख्य भाव या वात्सल्य भाव या माधुर्य भाव पे आता है, तब उसको भगवान की चिंता होती है कि भगवान को कैसे सुख पहुंचाओ, भगवान भूखे हैं, भगवान को स्नान कर रहे, यशोदा सोचती है, गोपियां सोचती है क्या करूं जिससे भगवान को मैं सुख पहुंचाऊं, उनको क्या वस्तु दूं, क्या करूं, वो किस प्रकार सुख चाहते हैं, इस पे क्या होता है, तब सारा रोल रिवर्स। इस पर भगवान प्रेम के वशीभूत होके हम पर निर्भर होते हैं, हम भगवान पर निर्भर नहीं होते, भगवान हम पर निर्भर होते, वो हमसे सेवा लेते हैं, वो हमसे सेवा लेते हैं। प्रभु कहते हैं मैं आस है, मुझे भूख लगी मुझे खिला दे, हम सुला के खिलाते हैं, ये तो हम कहते हैं प्रभु तेरा करता हमारा पालन पोषण तू हमें खिला। तो भक्त कहता है मैं अपने संकट अपने तकलीफे अपने कष्ट मैं प्रभु को कैसे अर्पण करूं, उल्टा मैं प्रभु को सुख अर्पण करूंगा। हम तो लोअर लेवल में तो हम ये बोलते प्रभु मेरे संकट को हरण करो, आप मेरे संकट को आप ले लिए हरण करो, लेकिन जब प्रेम बढ़ता है आप अपने प्रेमी को संकट दे सकते हो, मुझे बताओ जिससे आप प्रेम बोलोगे मेरे संकट तो ले ले मैं मेरे को सुखी कर, नहीं आप बोलोगे तेरे संकट उल्टा मैं हरण करता हूं, मुझे दुख होएगा कोई बात नहीं, लेकिन तेरे को खुश देख के मैं अपने सारे दुख को भूल जाऊंगा, मुझे आनंद होगा। ये एक्चुअल भक्तों के भाव, वो अपने प्रभु को सुख पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उन्हें सुखी देखना चाहते हैं, वो अपने संकट नहीं देना चाहते, बोलता प्रभु तेरे ऊपर जो संकट है, हालांकि प्रभु के ऊपर कोई संकट होता नहीं है, देखिए प्रेम के भाव में होता है कि प्रभु तेरे मैं हरण करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ रात दिन, तेरे पैरों में कांटे तो ना चुभ गए, तू नंगे पैर जा रहा, तेरे को मैं जूते दूंगा, तेरे ये सेवा कर, तेरे लिए छाछ लेके आऊंगा, तेरे लिए मक्खन लाऊंगा, तेरे को भूखा भूख तो नहीं लगी है, तेरे को मैं पकौड़े खिला दूंगा ये खिलाऊंगा। हर वक्त उसको प्रभु की चिंता होती है, अपनी कोई चिंता नहीं होती, दिस इज कॉल्ड रियल प्रेम। ये शरणागति से ऊपर के लेवल है, हमको बहुत अभी ऊपर उठना है, इस प्रकार के भावों को अपने हृदय में लाना है। इससे कथा जब सुनोगे तो आपको पता चल के मेरा किस स्तर का क्या स्तर होना चाहिए, और नाम जप के द्वारा आपके अंदर इच्छा के मुझे उस स्तर तक उठने की, तभी आप उठ पाओगे। जब कथा ही नहीं सुनोगे तो आपको क्या पता कि किस स्तर तक मुझे उठना है, भाई समझ में आ रही है? किसी के मन में कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट लग रही तो पूछ लो भाई। चले प्रभु कितनी देर तक कथा करनी और मुझे बता दो प्रभु, 10-15 मिनट और कर लीजिए प्रभु, कल वैसे भी छुट्टी है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो कहते ही चैंस दी होली ने विद प्योर डिवोशन, कहते हरिनाम वो भक्ति भाव से करते हैं, तो प्रेम से द प्रोपगेशन ऑफ द होली नेम इज पॉसिबल ओनली बाय हिम, जो जिसके अंदर प्रेम है और जो भक्ति भाव से प्रभु का भजन करता है, उस भाव में प्रवेश करने का प्रयास करता है गोपियों के भाव में, तो कहते ऐसे लोग ही नाम का प्रचार कर सकते हैं और दूसरों से नाम जपा सकते हैं। उन्हीं की वाणी का असर होता है दूसरों के प्रति। जो खुद नाम उपासक नहीं है, नाम की सेवा नहीं करते हैं, वो कैसे दूसरे को नाम जप करने के लिए प्रेरित करेंगे? तो कहे हाँ जी नाम जप करना चाहिए, ठीक है कर लो जी, जितना हो सकता कर लो, कोशिश करो, चलो ज्यादा ज्यादा 16 माला कर ही लेना, उतना ही कर ही लेना, इतना भी बहुत बड़ी बात है। वो इस प्रकार आपको बोलते हैं क्योंकि वो आपको डरते हैं बोलने के लिए कि आप कम से कम मिनिमम 64 करिए और धीरे धीरे 192 माला तक आइए, ये बोलने में वो डरते हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं भजन नहीं किया होता, वो कैसे, उनको पता नहीं कि नाम का स्वाद क्या है, नाम का टेस्ट क्या है, वो आपको कैसे स्वाद प्रदान करेंगे। वो 1 लाख हरी नाम भी नहीं करते तो आपसे कैसे बोलेंगे ज्यादा माला करो कि है, बस उनका एक ही कष्ट दूर होते हैं, उनके कष्ट दूर होते हैं, उनको पता ये सब कुछ है, ये नहीं पता इस मुझे अभी प्रेम मिला ही नहीं है, मैं तो कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं बना, कनिष्ठ अधिकारी बनने के मुझे कम से कम 64 माला करनी चाहिए,
मध्यम अधिकारी बनने के लिए 192 करनी पड़ेगी, और लगातार 192 करोगे तब जाके उत्तम अधिकारी बनोगे। तो हम तो कनिष्ठ भी नहीं बन पा रहे हैं, मध्यम तो दूर की बात है, मध्यम तो 192 माला करनी पड़ेगी आपको मध्यम अधिकारी बनने के लिए। और 192 कंटिन्यूस करोगे दीर्घ काल तक, लंबे समय, तब जाके उत्तम में आओगे। तो सोचो कि इतना आसानी है, हमको किस लेवल तक उठना है, जाना है, प्रयास तो करो। मैं नहीं कहता कि सब बंदे 192 तो आएंगे, कम से कम मिनिमम 64 तो करो, और कोशिश को 90-100। अरे आपके अंदर लालसा है तो राधा रानी हेल्प करती है अपने भक्तों के माध्यम से डायरेक्टली, क्योंकि वो बहुत प्रसन्न होती कोई कृष्ण की ओर जाना चाहता है, उसके हेल्प लेके राधा रानी हेल्प करती है। सीधी ओरिजिनल गुरु जो कि स्वयं नित्यानंद जो है अनंग मंजरी के रूप में सेवा करते हैं, बलराम जी अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी की छोटी बहन बन के सेवा करते हैं। तो वही नित्यानंद है, वही जानवा दासी उनकी शक्ति है जो सेवा करी है। सारी कृपा तो जो आनी है राधा रानी से ही आनी है, क्योंकि बलदेव जी जो है उनको भी कृपा राधा रानी से मिल रही है। He chant the holy name pure, the propagation is not possible only by him. Therefore, the holy name of Krishna can never tolerate blasphemy of such a person. जो नाम, जो बंदा नाम निष्ठ होता है, नाम जप करता है और नाम का प्रचार करता है, उसकी आप निंदा करोगे तो नाम महाराज कैसे बर्दाश्त करेंगे। और अक्सर हम इन्हीं की निंदा करते जो नाम जप का ज्यादा बोलते करने को, जैसे कोई अपराध के, अरे भगवान का नाम जपने के तो बोला, कौन सा मैंने गुनाह कर दिया जो आप निंदा कर रहे हो, इतने चिढ़ रहे हो, चिढ़ क्यों रहे हो, नाम जप ही तो करना, गाली देने के थोड़ी बोला कोई किसी के कुछ गलत काम का, नाम जप करने का वो भी क्या जीव का यही तो काम है, ये नहीं कहा तो उसे करना क्या है, बस मेरे को एंटरटेन करो सब लोग, मुझे घुमाओ फिलाओ खिलाओ पिलाओ, बस यही करो, बस और कुछ नहीं है। यही समस्या सब जगह चल रही है, गुरु भाई अगेंस्ट हो जाते हैं गुरु, और बहुत से लोग जिनका लेवल लो है मठ में वो भी आपका अगेंस्ट होंगे, लेकिन जो श्रेष्ठ भक्त मठ में होंगे, जो खूब भजनशील है, वो ही आपको अप्रिशिएट करेंगे। जो श्रेष्ठ भक्त होंगे मठ में, जो भजनशील होंगे, वो अप्रिशिएट करेंगे, जो नहीं होंगे वो सब आपका अगेंस्ट होंगे। आपको लगेगा कि यार ये क्या हो रहा है, ये सब मैं निंदा कर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, देखो मैं तो ग्रंथ पढ़ रहा हूँ प्रेम विवर्थ, आप सब देख भी सकते हो, जगदानंद पंडित का लिखा हुआ है, महाप्रभु कह रहे हैं, गोपीनाथ गौड़े मठ से पब्लिश्ड है, आप सब देख रहे हो, आपको कॉमन सेंस है, आप इंग्लिश भी जानते हो, हिंदी भी जानते हो, आप समझ रहे हो कि मैं एक एक श्लोक पढ़ के बता रहा हूँ, अगर एक भी चीज गलत होता मुझे करेक्ट कर सकते हो। अ पर्सन हो ब्लेस्फेमी, सच्चा सेंट्री पर्सन, जो मनुष्य ऐसे संतों की निंदा करता है जो नाम जापक होते हैं, नाम जप करने की प्रेरणा देते हैं, एंड कंसिडर हिम एज एन इनसिग्निफिकेंट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, उसे हम तुच्छ साधारण मनुष्य मानते हैं, सर्टेनली कमिट्स अ ग्रेव ऑफेंस अगेंस्ट द होली नेम, ये सबसे बड़ा अपराध यही कर रहे हैं, सबसे बड़ा नाम अपराध यही कर रहे हैं। हस्ते नाम जप, आज इसका समय तो नाम जप करना, जब मिलोगे ये बंदा, जैसा कोई बोलेगा हर शैलेश जब मिलेगा नाम जप करने के, बोलेगा जब मिलेगा ना, ये बड़ा बोरिंग है, कुछ और बात ही नहीं कहा, यही तो रियल धर्म है, वो रियल धर्म कह रहा है और आप उसको निंदा करो, और जो आपको फॉल्स चीजें बता रहे हैं, आप बड़ी बड़ी व्याख्या करें ज्ञान की, कौन सी कितनी चीज जीवन में उतर गई है, सारी रियलाइजेशन नाम से आएंगी, केवल ज्ञान मिलने से सुनने से कोई रियलाइज होने वाली नहीं। अगर आप उन लोगों की निंदा करोगे जो नाम का प्रचार करें, ये सबसे बड़ा अपराध है। One should carefully avoid this offense and engage in the worship of the Lord by the strength of the associated person. तो इंसान को इस अपराध से बचना है और भजन करना है भगवान की बाय दिस उन सेंटी उन संत के संग में रहके जो नाम निष्ठ होते हैं उनका संग करिए। क्योंकि हम पहले कहते हैं पहले महात्माओं में पावर्स होती थी, आजकल कोई महात्मा मिलते नहीं है जिनमें शक्ति, क्यों? पहले लोग मिनिमम 2 लाख करते थे, 2 से 3 करते थे, आज लोग 16 बालक में स्ट्रगल करें तो कहां से पावर्स आएंगे जो पहले थी। आप ये क्यों एक्सपेक्ट करते हो सामने वाला संत बने और मेरे पे कृपा करे, आप ये क्यों नहीं सोचते मैं स्वयं भक्त बन जाऊं और मैं जब मेरे अंदर वो शक्ति आ जाएंगी मैं फिर प्रचार करके लोगों से नाम जपाऊंगा। हम संत क्यों खुद क्यों नहीं बनना चाहते, हम अपना भजन क्यों नहीं बढ़ाना चाहते, हम ये क्यों देखते हैं कि सामने वाला भजन बढ़ाए और वो संत बन के मेरे पे कृपा करे, हम संत बन के क्यों नहीं दूसरे पे कृपा कर सकते। बात यह ना कि मैंने कुछ नहीं करना, वो करे तो अच्छा, मैंने नहीं करना, यहाँ पे हम गड़बड़िया करे हैं।
The holy name and the Lord is one. The absolute truth, Sri Hari, and the personification of Aspina, Sri Vishnu, are the names of the supremely transcendental personalities. Sri Krishna, who enjoys pastime in Vraj, कहते जो परम सत्य है हरि जो है और जो सौभाग्य के प्रतीक है विष्णु ये भगवान के नाम है और वही भगवान के भिन्न भिन्न नाम है श्री कृष्ण का ही नाम विष्णु है वो एंजॉय पास्टम जो ब्रज में लीला करते हैं द सुप्रीम लॉर्ड नेम्स फॉर्म क्वालिटी एंड पास्टम आर ऑल ट्रांसडेंटल यानी भगवान के नाम रूप गुण लीला सब अलौकिक है एंड दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ और ये भगवान से भिन्न नहीं जब आप नाम जपते हो जैसे पानी बोलने से मेरी प्यास नहीं बुझती क्योंकि यह प्राकृतिक शब्द है भगवान का नाम भगवान लेने से पूर्ण कृपा करता है जैसे गिरधारी किसी का नाम है भले वो एक गिलास भी ना उठा सके हमने गिरधारी बोल दिया तो लेकिन यही नाम जब भगवान से जुड़ा हुआ होता है तो जिन्होंने गिराजी को धारण किया है तो उनका नाम गिरधारी पड़ गया यानी उनका नाम उनकी लीला के अनुरूप पड़ा है और नाम जब करने से उनकी कृपा होती है इसलिए हम क्यों कौन है गिरधारी दास है इसलिए हम गिरधारी नहीं हम गिरधारी दास है क्योंकि हम नाम के अनुरूप हमारे कर्म नहीं है वैसे हम एक गिलास भी नहीं उठा सकते ज्यादा समय तो प्रभु ने तो गिराजी को धारण करके नाम गिरधारी पड़ गया तो आप सोचो इसलिए हम गिरधारी दास हो सकते हैं ये बात हमको याद रखना लेकिन भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है और उनके सारे नाम जितने भी नाम उनके संसार में उनकी लीला से कोई ना कोई नाम से जुड़े हुए हैं द सुप्रीम लॉर्ड नेम फ्रॉम कोई पासम ऑल ट्रांसेंडेंट एंड द नॉन डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम भगवान से अभिन्न है द होली नेम ऑफ द लॉर्ड एंड द लॉर्ड हिमसेल्फ आर वन भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है इनफैक्ट नाम ज्यादा कृपालु है क्योंकि प्रभु ने अवतार लेके कुछ ही लोगों को सुख दिया था जिन्होंने उनकी सेवा की लेकिन जिससे नाम का सेवन किया था सेवन कर रहे हैं और सेवन करेंगे उन सब पे नाम ने कृपा की है ये प्रभु से भी ज्यादा दयालु है क्योंकि जिस जिसने नाम का सेवन किया था कर रहे हैं और आगे भी जो करेंगे उन सब का उद्धार नाम के माध्यम से हो गई होगा और नाम तो आप घर में लेट के भी कर सकते हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है The holy name of the Lord and the Lord himself are the one absolute param satya naam aur nami dono param satya hain and a full of transcendental attribute unke andar sare ke sare divya gun virajman hain in the material world there is no example is sansar ke andar bhautik jagat ke andar aise koi aapko udaharan nahi milega is prakar ka Know it for certain that attainment of this pure spiritual knowledge is possible only by the stand of devotional service. Bahut important hai dhyan do. Know by for certain attain pure spiritual knowledge is possible only by stand of devotion. Hum mera to practical experience hai hum jitne saal se dekh rahe hain. Hum katha karte hain log kehte katha samajh nahi aati. Katha mein jo shabd maine bole bhi nahi hote kehte aapne abhi katha mein ye shabd bola. Maine kaha झूठ बोल रहे हो मैंने बोलते आपने ये शब्द क्यों बोला मैंने कहा आपने सुना नहीं ध्यान से इस शब्द मैंने इस संदर्भ में बोला था आप इसको गलत अर्थ में ले रहे हो इसका मतलब ये होता है कि कथा और ज्ञान को समझने की क्षमता भी नाम से आती है ओनली बाय द स्टैंड ऑफ डिवोशन केवल नाम जब से आती है कथा समझने की क्षमता और ज्ञान समझने की क्षमता भी हरि नाम से आती है चेतो दर्पण माजनम भव महादावग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका विद्या वधु जीवनम विद्या का वधु वधु कह रहे वाइफ वाइफ ऑफ कृष्णा को कौन है क्या कहते हैं कि जैसे लक्ष्मी है या राधा रानी है तो कहते हैं विद्या वधु वधु कौन है भगवान की पत्नी है नॉलेज तो जहाँ पे भगवान का नाम होगा उधर आपको नॉलेज आएगी आएगी आपको समझने की क्षमता आएगी आएगी ये नहीं कहा गया कि ब्रह्मांड के अंदर ये वेदों का प्राण है तो वेद के सारे अक्षर ओम से निकले हैं
ओम कहाँ से निकला है, ओम राम नाम से निकला, वो कैसे ओम में से म शब्द निकाल दो तो क्या बोलता, ओ यानी शोक का वाचक म है तो ओम है, ओम को संस्कृत में प्रणव कहते हैं, प्रणव में से र शब्द निकल बचता पनव यानी पन्ना को शब्द, यानी राम नाम है तो ओम है, ओम है तो सारे वैदिक मंत्र, सारे वैदिक मंत्र ओम से निकले, ओम राम से निकला है, तो जिसने राम नाम का जप कर लिया उन्हें के सारे का सारा वैदिक मंत्रों का जप नहीं कर लिया, इसलिए कोई अन्य कोई वैदिक मंत्र रह जाता करने के लिए, नहीं ये मंत्र बड़ा पावरफुल है, वो मंत्र बड़ा पावरफुल है, अरे भैया कितने भी पावरफुल होंगे मैं मानता हूँ नहीं है कि नहीं ऐसी बात ही मैं मानता है, लेकिन सारे मंत्र प्रभु के नाम से निकले तो नाम से श्रेष्ठ कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। मैं गोपाल मंत्र का जाप कर लो, मैं काम गायत्री का जाप कर लो, मैं उसका कर लो, लेकिन आप ब्रज भागवतम में पढ़िए गोपाल मंत्र रिटायर हो जाता है इधर वैकुंठ जाके, उसके बाद उनको हरिनाम करना पड़ता है आगे जाने के लिए, तो आप सोचो ये कितना पावरफुल हरिनाम, फिर जब हरिनाम सुप्रीम है महाप्रभु ये गोलोक धाम से जो राधा रानी जपती है वो चीज हमें, जो स्वयं राधा रानी जपती है वो चीज हमको प्रदान करना है हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम उसको ना जपे और इस पे निष्ठा न रखे, अन्य मंत्रों पे निष्ठा रखे तो कितना बड़ा हम अनर्थ कर बैठते हैं। शिक्षाष्टक में आती विद्या वधु जीवनम, ये सारे नॉलेज उससे प्राप्त हो जाते हैं। अच्छा जितने भी आठ श्लोक शिक्षाष्टक में आते हैं उन सब की स्थिति नाम से ही होगी, पहले जो सात प्रोसेस है कि भाई वो कैसे जो चेतो भाव महादावि निरापर हृदय की अग्नि कैसे नाम जप के कैरव चंद्रिका विदन हमारे अंदर सद्गुण आएंगे कैसे आएंगे सब हरि नाम, ये सारे के सारे गुण जो लास्ट तक आते हैं आशीष पादता वहां तक जो आते हैं सब वो सारी स्थिति नाम के द्वारा ही आएगी। लोगों को शिष्टाष्ट्र का बाय हार्ट है, करोड़ों लोगों को याद होगा, गौड़िया में तो लाखों को याद होगा, मेरे को डाउट ही नहीं है, लेकिन एक के अंदर भी वो भाव नहीं होंगे। जो बंदा बहुत हरिनाम कर रहा है उसको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि यही वास्तव और ये सारे के सारे गुण जो शिष्टाष्ट्र में वर्णन किए गए हैं वो उसको दिखाई देंगे, अपने जीवन उसको रियलाइज करेगा, ये आठों के आठों जो शिष्टाष्टकम है वो अपने जीवन में रियलाइज करेगा। कई बार भगवान आपको होल्ड कर देते हैं, आपको वो रियलाइजेशन होने ही देते हैं, जीव को लगता है यार मैं तो तीन चीज चार चार लाख हरिनाम करता हूँ मुझे कोई रियलाइजेशन मुझे इतने साल हो गए नहीं हो रही, क्योंकि भगवान ने होल्ड करके रखा हुआ है, वो नहीं देना चाहते आपको, उनको ये लगता है कि आप दीन बने रही हो, आप प्रयास करते रही हो, मैं आपको कब दूंगा, मृत्यु के समय मैं आपको सब दे दूंगा, क्योंकि वो धन आपको गोलोक लेके जाएगा, अभी नहीं दूंगा आपको मैं, अभी नहीं दूंगा, इससे निराश मत होइए कि हम मुझे, आप ये सोचे ये इससे बहुत बड़ी कृपा है, मेरा नाम निरंतर चल रहा है कंटिन्यूस जप कर रहा हूँ, इससे बढ़कर कृपा क्या हो सकती है, बाकी क्या देना क्या नहीं देना कैसे देना वो उसके नाम में रुचि बढ़ती जा रही ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि नाम में रुचि बढ़े, बस ये मेरे पास सबसे बड़ी कृपा है, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं हो सकती है। वशों में आसक्ति घट रही है और क्या चीज वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, विषयों में आसक्ति घट रही है, नाम में रुचि कथा में और रुचि बढ़ रही है और सुनने की रुचि, तो ये आप 100% प्रोग्रेस ही तो कर रहे हो, यही लक्षण है प्रोग्रेस के, फिर पूछता नहीं मैं प्रोग्रेस नहीं करो, कौन कह रहा प्रोग्रेस नहीं करो, एंड इट रिमेन्स कहते हैं नो इट फॉर सर्टन दैट अटेनमेंट ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज इज पॉसिबल ओनली बाय सम, जो इंसान हरी नाम करता है उसी को ग्रंथ समझ में आते हैं, एज इट इज जैसे आने चाहिए उसी के जिम्मे ग्रंथ उसको समझ में आने शुरू होते हैं, एंड इट रिमेन्स फार अवे फ्रॉम अ पर्सन हू ट्राइज टू अंडरस्टैंड थ्रू आर्ग्यूमेंट, जो इंसान आर्ग्यूमेंट करके वार्तालाप के द्वारा समझना चाहता है क्वेश्चन आंसर के द्वारा वो समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता ही नहीं समझने की, ये क्षमता केवल और केवल हरिनाम से आती है, ये बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ यहाँ पे, बहुत स्पष्टीकरण क्लियर स्पष्टीकरण यहाँ पे किया गया कि ये कोई भी चीज समझनी है तो नाम का आश्रय लो, आप बोलोगे आओ कथा सुन मैं सुनाता हूँ, अरे वो कथा किसको बोलो जाप करने को, आपकी कथा करना टाइम वेस्ट है अगर नाम की ओर नहीं लेके जा रहा, क्योंकि वो कथा नहीं समझ पाएगा, वो अगर थोड़ी बहुत समझ आ भी जाती है तो उसको उतार नहीं पाएगा जीवन में, ये सब चीजें तभी उतरेंगी जब जीव नाम जप करेगा,
इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट फोकस करो, उसे कुछ नहीं समझ आती कथा, चल कोई बात कंटिन्यू नाम जप का, नाम जप करा है, नहीं पढ़ सकता अंगूठा छाप छोड़, 2 लाख का 3 लाख है नाम का, 3 से अधिक होता तो 4 लाख कर 5 लाख कर, लेकिन नाम जप कर तेरा उद्धार से हो जाना है, तेरे को सब कुछ। मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसे करोड़ों में नाम नाम लिखा और क्या हो गया, उसके जिससे कभी मंदिर नहीं गया, गुरु जी के दर्शन एक ही बार के दोबारा करने नहीं गया, वो नाम जपक की इतनी उत्तम स्थिति हुई कि वो 10 साल पहले उसके शरीर छोड़ा है, 10 साल पहले ये उधर बुंदेलखंड का रहने वाला उसे सही छोड़ा है। तो सोचो कि उसको क्या कितनी प्राप्त हो गया सिर्फ लिखने मात्र से। तो करोड़ों में हमको नाम जप करना है, ये नहीं कि लाखों में, करोड़ों में करना है नाम जप। अगर हम अपने श्री को दिव्य बनाना चाहते हैं तो वन हु रियलाइजेस द ऑस्पिशियस ट्रुथ बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हिज ओन प्योर कल्टिवेशन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस डिस्टेंट ऑफ डिस्टेंटिव पर्सन एंड स्पिरिचुअल मास्टर। मतलब क्या है, वन रियलाइज ऑस्पिशियस ट्रुथ बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ओन प्योर कल्टिवेशन। ये इंसान सब चीज कैसे समझता है, कल्टिवेट प्योर कृष्ण भावना को पैदा करके नाम जप के द्वारा और संतों की कृपा, संत ऑफ द सेंटली एंड स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु और संतों की कृपा, वो हमको प्रेर करते, हमको आशीर्वाद देते रहते हैं, हमारे नाम जप बना रहता है, नाम में रुचि बनी रहती है, बस यही हमको चीज जब जाके समय आनी शुरू होती है। और अपना प्रयास तो होता ही होता है कि हम हरि नाम करें, और कुछ नहीं है। Until a person achieve perfection in realizing this truth, the material conceptual life continues to exist. जब तक मनुष्य इस सत्य को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेगा, Until a person achieve perfection, this truth, the material concept of life, तब तक उसके अंदर संसार से वो निकल नहीं सकता, वो भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा, और वो विषयों की लालसा करता रहेगा। इसलिए भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप नाम जप करिए। समय हो रहा है, मैं विश्राम करता हूँ, कथा कल संडे है, कल फिर ये 3 बजे मिलेंगे और इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। तो किसी के मन में कोई भी सवाल है तो भाई पूछ सकते हो। इस महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, इसको निरंतर जपिए। मेरी विनती है, रिक्वेस्ट है, सबके चरणों में अपना उद्धार कर लो। एनी क्वेश्चन, किसी के मन कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता भाई। प्रणाम जी, ओके, तो फिर विश्राम। हरे कृष्णा प्रभु, मेरे मन में एक डाउट है। हाँ बोलिए प्रभु। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो नाम लेना थोड़ा आसान है, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तभी हम जो है वो नॉर्मल लाइफ में, जो मेरा, मैं जैसे कॉलेज में हूँ तो वैसे कॉलेज लाइफ चालू हो जाएगा, तो उसमें हम नाम जैसे आप घर से ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जाओगे, आप चलते हुए घर से जाते जाते आप नाम जप कर सकते हो। कॉलेज में जब भी फ्री पीरियड होगा आप काउंटर रख लीजिए, काउंटर पे जप कर लिए, कॉलेज से घर आओगे तब जप कर लीजिए। आप कभी बाजार भी जाते होगे, किधर जाते होगे, थोड़ा रिलैक्स होना चाहोगे पढ़ाई से, तब आप बैठ के मालक करने शुरू कर दो या काउंटर पे जप करो। प्रॉब्लम क्या, आदमी तो जप हर परिस्थिति में कर सकता है। हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं सोशलाइजिंग में, मोबाइल पे लग जाते हैं या टीवी में लग जाते हैं या फ्रेंड से बातें गप्पे लगा मारने शुरू करते हैं, नीचे उतर जाते हैं घूमने या कंटीन में जाके बैठ जाते हैं, पिक्चर चले जाते हैं, वी वेस्ट टाइम। अगर हम इम्पोर्टेंस देके नाम जप को करेंगे तो डेफिनेटली हमसे होएगा। समय सबके पास होता है, ये नहीं कि नहीं होता है, ठीक है जी। और प्रभु नाम को कैसे बराबर से लेना चाहिए, जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं उसमें कभी कभी गलती होता है तो परफेक्ट स्पीड क्या होता है? हरे कृष्णा नाम में गलती भी हो जाए तो दोष नहीं लगता। वैदिक मंत्र में अगर उच्चारण और स्वर गलत हो तो आपको उल्टा फल मिल सकता है। राम नाम तुझे वाल्मीकि ने उल्टा मरा मरा जपा तो भी वो तर गया यार, ये यही तो एक नाम ऐसा है जो उल्टा करने पे भी तारता है, तो गलती कहाँ हो गया, ये तो पूरा उल्टा ही बोला। राम के अखोने मरा बोलेगा तो भी तर गए, तो गलती हो गई तो नाम में कोई दोष नहीं लगेगा। पहले तो कोशिश करो कि मैं बराबर उच्चारण करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेगी, जहाँ पे आप 2 घंटे में 16 माला करते हो और कोशिश को धीरे बढ़ाने की, धीरे धीरे आप 1 घंटे 10 मिनट 16 माला कर सकोगे। प्रैक्टिस से स्पीड आती है, 4.5-5 घंटे में आपके आराम से 64 हो जाती है, हो जाएंगी। तो 64 कैसे पहुंच सकते हो, 5 घंटे निकालने का, ऑफ कॉलेज जाने आने में आपका समझो 1-1 घंटा चला गया तो उसमें आपको 2 घंटे लग गए जी। हो गया, ब्रेक मिल जाता कॉलेज में, तब आप काउंटर पे जॉब कर लिया, माला तो नहीं कैरी कर सकता तो काउंटर पे जॉब कर, प्रॉब्लम क्या है। और फिर घर में भी थोड़ा फ्री होता, रेस्ट होता, लेट के जॉब कर लो, 5 घंटे निकाल के आदमी 64 माला तो कर ही सकता है। वो करनी करनी, उसे कम बोली जाओ, वो करनी करनी है। वी हैव टू बी सिंसियर, ओके।
Thank you, Prabhu. Thank you so much. Okay. Anybody else? Inspiring us. Thank you, Prabhu. Hare Krishna ji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu ji. Dandavat pranam. Dandavat pranam ji. Dandavat pranam sabko.